So let's start. So you know the syllabus I told you in the orientation session. Orientation session में मैंने आपको बताया था syllabus क्या है. Teaching aptitude में सिर्फ 6 topic है, लेकिन आपको in depth understanding चाहिए इन 6 topics को समझने के लिए. ठीक है, तो कैसे आपको teaching aptitude को पढ़ना पड़ेगा उसको हम लोग discuss करेंगे. देखो, सबसे important चीज आपको teaching aptitude में ये याद रखना है कि many times you will see questions जिसमें आपको multiple option आपको correct लगेंगे. ठीक है, तो challenges teaching aptitude में क्या problem होता है, बच्चे गलती क्यों करते हैं, वो पहले हम discuss करेंगे, फिर हम लोग topic discussion करना start करेंगे. Teaching aptitude एक ऐसा subject है जिसमें कि हम लोग अपना view point अपने हिसाब से बना सकते हैं. ठीक है, लेकिन problem होगा कि वो answer आपके view point के हिसाब से नहीं लेंगे, वो NCERT क्या बोलता है या NCT या फिर अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलता है उसी के अकॉर्डिंग लेंगे. तो ये एक चैलेंजेस होता है, चैलेंज होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में. आपको लगेगा कुछ आंसर और होना चाहिए, लेकिन आंसर सच में कुछ और होगा. ठीक है, एंड इस चीज को करेक्ट करने के लिए आपके अंदर एक टीचिंग इंस्टिंक्ट जो है लाना पड़ेगा. वो कैसे आएगा, थ्रू प्रैक्टिस आएगा. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जहां पे आपको लगेगा कि आप जो सोच रहे हो वो सही है, लेकिन असल में व्हाट दे हैव प्रेस्क्राइब्ड इन NCERT और एनी अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट और रूल दैट दे विल एक्सेप्ट दैट ओनली, दे विल नॉट एक्सेप्ट विच इज नॉट डॉक्यूमेंटेड देयर और विच इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड बाय देम. सो आप अपने हिसाब से कोई आंसर नहीं कर सकते, आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर उनके डॉक्यूमेंट से ही, मतलब उनके हिसाब से जो है वो उसको आपको चूज करना पड़ेगा. ठीक है, एंड टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों पूछा जाता है, जैसे बहुत सारे बच्चों का दिमाग में डाउट होगा. मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में एक अभी कमेंट डाला था, सॉरी पोस्ट डाला था कि NCET का प्रोग्राम होने वाला है ITEP प्रोग्राम के लिए ऑल ओवर इंडिया. ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपका NCET करके होगा जिसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को ITEP का जो है अभी मौका मिलेगा प्रोग्राम, जो सिर्फ पहले सिर्फ RI में होता था. ठीक है, मैंने एक वीडियो के थ्रू आपको क्लियर कर दिया था. बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता है कि RI में ITEP बहुत सालों से चल रहा है, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ. देखो, RI में जो इंटीग्रेटेड BEd का प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है, चल रहा है, चलता रहेगा. ठीक है, ये NCERT ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत पहले से सोच के रखा हुआ है रेस्पॉन्सिबिलिटी. देखो, जैसे डॉक्टर हर एक कॉलेज डॉक्टर नहीं बना सकता, या हर एक कॉलेज जो है वो आपका इंजीनियर नहीं बना सकता. उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड जो है रहते हैं, प्रेस्क्राइब्ड कॉलेज या फिर जो भी गवर्नमेंट डिसाइडेड रहते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के लिए IITs हैं या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं. ठीक है, जो आपको इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल मेडिकल के लिए AIIMS है या अदर जो स्पेशल आपका स्कूल होगा, सॉरी कॉलेज होगा, जो आपको सिर्फ डॉक्टर के लिए आपको पढ़ाएंगे, MBBS आपको पढ़ाएंगे. ठीक है, BHMS BAMS बहुत सारा होता है. ठीक है, तो इस तरह से उस टाइम में 1963 में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी NCERT को दिया गया था. ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है. ये आपका जनरल अवेयरनेस टॉपिक से मैं जो आपको थोड़ा थोड़ा आपको डिस्कशन करूंगा, जनरल अवेयरनेस है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये चीज जानना होगा. ठीक है, 1963 में NCERT को यह रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि जैसे यहाँ पे इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया इंजीनियरिंग के लिए, इनको दिया गया आपका फॉर एग्जाम्पल मेडिकल के लिए, इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था टीचर बनाने के लिए. तो ये पहले से ही ये ITEP को रन कर रहे हैं, बस नाम उन्होंने ITEP नहीं रखा था. ये जो ITEP का नाम है 2020 में रखा गया, किसके थ्रू, न्यू एजुकेशन पॉलिसी. ठीक है, याद रखना कब आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ये नाम रखा गया, नहीं तो ये प्रोग्राम पहले से चल रहा था. इस प्रोग्राम का नाम RI में क्या था, इसको बोलते थे फोर ईयर इंटीग्रेटेड BEd बोलते थे, जिसमें आपका BSc BEd और आपका BA BEd प्रोग्राम था. ठीक है, और RI में एक और भी प्रोग्राम था 2 ईयर BEd करके. ठीक है, अब इस प्रोग्राम को बाकी कुछ कॉलेज में एक्सटेंड किया गया, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे सीट बहुत कम है, ऑल ओवर इंडिया में आपको टीचर्स बहुत सारा चाहिए. तो धीरे धीरे करके ये जो 2 ईयर BEd वाला प्रोग्राम, ये प्रोग्राम सिर्फ RI अपने पास रखा था, क्योंकि बेस्ट टीचर्स तो सिर्फ एक ही कॉलेज में निकलेंगे, ऐसा कंसेप्ट पहले से था, अभी भी है. ठीक है, तो अभी भी देखना, मैं जैसे एक वीडियो आपको फर्स्ट आपका
इंटरेक्शन या ओरिएंटेशन मैंने आपको बताया था कि आरए को कितना प्रेफरेंस मिलता है, तो एक तो एक को तो दे दिया, लेकिन एक में उतना सारा तो मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कैपेसिटी नहीं होगा कि 1000 बच्चों को पढ़ा लेंगे एक ही कोर्स में, नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स भी लिए और डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी भी लिए, ठीक है, 2 ईयर बीएड, फिर 2 ईयर एमएड, ऐसे करके प्रोग्राम्स आया। लेकिन अभी क्या है कि आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बोल दिया कि आपको जो 12th के बाद अभी जो पढ़ना होगा ये सिर्फ 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, ठीक है, मतलब तो 3 साल का ग्रेजुएशन उसको पूरा एनईपी 2020 ने हटा दिया है, ठीक है, 2030 के बाद आपको ग्रेजुएशन करना है तो 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जैसे हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग 4 साल का करते हैं, ठीक है, डॉक्टर भी लगभग 4 साल का होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, तो यहाँ पे अगर किसी को टीचर बनना है तो यहाँ पे इनको भी 4 साल का कोर्स दे देते हैं, ठीक है। और यही सोच के उन्होंने ये जो प्रोग्राम है, जो आरए में इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम था, इसी को ऑल ओवर इंडिया लागू किया गया बाय द नेम आईटीईपी। एक नाम देंगे तो मतलब उसको इजीली समझ सकते हैं, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड, नाम बहुत बड़ा है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, इसका नाम कर दिया आईटीईपी। तो ये कंफ्यूज मत होना कि आरआई में जो इंटीग्रेटेड बीएड है और आईटीईपी ये पूरा अलग है, ठीक है। तो मैं अभी देखो मैं आपको क्या चीज बोलूंगा, आईटीपी कहाँ कहाँ अवेलेबल है, जब भी मैं बताऊंगा आपको आईटीपी कहाँ कहाँ अवेलेबल है, मैं बोलूंगा आपको आईटीपी जो है आरआई में अवेलेबल है, आईटीपी अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होने वाला है, हो रहा है, ये आईटीपी स्टेट यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होगा और कुछ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होगा। लेकिन आपको जाना कहाँ है, आपको जाना वहां है जहां पे ये, अगर आरआई में जाते तो बहुत अच्छा है, आरआई में ही आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आप सब आरआई में जाओ, लेकिन आरआई नहीं हो तो सेकंड ऑप्शन कहाँ रखोगे, सेकंड ऑप्शन आप रखोगे सीयूईटी में, सीयूईटी एग्जाम आपका सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहां पे ये अवेलेबल है ये प्रोग्राम, तो सीयूईटी के थ्रू यहाँ पे सारा एग्जाम होगा। किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर वो सेपरेट अपना एग्जाम करा रहा है तो वहां पे मत जाना, ठीक है, मैं वर्स्ट केस में बोल रहा हूँ, अगर आपका नहीं होता तो वर्स्ट केस में, ठीक है, वर्स्ट केस में अगर किसी का आरआई में नहीं हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, तो वो प्राइवेट में जा सकता है, लेकिन वो सीयूईटी वाला, अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपना अलग से एग्जाम कर रहा है तो वहां पे टीचिंग वाले में नहीं जाना चाहिए, बाकी नॉर्मल अगर कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीएड के केस में बहुत सारा झंझट रहता है, एनसीटीई का अप्रूवल रहता है, ठीक है, एनसीटीई क्या होता है, एनसीटीई होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसका अप्रूवल रहता है, ठीक है, एनसीटीई का अप्रूवल वहां पे आपका लगता है, ठीक है, तो एनसीटीई का अप्रूवल अगर नहीं मिला तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए आपको सीयूईटी एग्जाम डेफिनेटली भरना है, ठीक है। तो आईटीपी का प्रोग्राम आपका आरए के थ्रू हो गया, सीयूईटी के थ्रू हो गया, अब तीसरा एग्जाम जो है गवर्नमेंट एनसीटीई के थ्रू कराने जा रहा है, जो आपका आईटीपी एग्जाम, आईटीपी के लिए एडमिशन कराएगा, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल का 3 एग्जाम हो गया, आरए, सीयूईटी और आपका एनसीईटी, ठीक है। और स्टेट में आपका जैसे उड़ीसा में, उड़ीसा अपना कराएगा एग्जाम, उड़ीसा आईटीपी करके, ठीक है, इस तरह से अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ाई करेंगे, एंड इसके लिए जो भी कोर्सेस है, क्लासेस है, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग बस ये डिस्कशन कर रहे हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड को कैसे अप्रोच करना चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड जरूरी क्या है, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं यही पॉइंट आपको बोल रहा था कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों पढ़ना है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं ये टॉपिक को पहले डिस्कस करूंगा। इतने में किसी को कोई डाउट है जो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे, अगर किसी को कोई कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ओके, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, कोर्स एग्जाम अलग अलग है, लेकिन आपका प्रोग्राम सेम है, ठीक है, प्रोग्राम सेम है, दोनों में आपको इंटीग्रेटेड बीएड मिलेंगे, प्रोग्राम सेम है, बस ये अलग अलग है, आपका जो एग्जाम होगा वो अलग अलग है, ठीक है, एग्जाम जो होगा वो अलग अलग है, बाकी आपका प्रोग्राम सेम है, वहां पे भी आपको इंटीग्रेटेड मिलेगा, यहाँ पे भी आपको इंटीग्रेटेड मिलेगा, आरए में थोड़ा ज्यादा फैसिलिटी होता है, ठीक है, लाइक कैंपस प्लेसमेंट वगैरह होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम दोनों में होता है, ओके। तो मैं डिस्कशन कर रहा था आप लोगों के साथ कि टीचिंग एप्टीट्यूड हमारे लिए जरूरी क्यों है, व्हाई टीचिंग एप्टीट्यूड इज नेसेसरी फॉर अस, ठीक है। उड़ीसा का आईटीपी का कब होगा एग्जाम, देखो ये सारे एग्जाम ना, ये जितने भी एग्जाम हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं,
ये मोस्ट प्रोबेबली जुलाई या उसके बाद होगा, बहुत ही रेयर चांस है कि जून में हो जाए, क्योंकि देखो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। आपको पता है सीयूईटी का एग्जाम मई के लास्ट में हो रहा है, मैं आपको एक मतलब कब होगा एग्जाम बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। हाँ इंटीग्रेटेड का 4 साल का होता है। हाँ देखो तो कब होगा एग्जाम, ये बहुत लोगों का डाउट होता है, एग्जाम डेट कब होगा, ठीक है कब होगा एग्जाम। देखो आपने सीयूईटी का फॉर्म अगर नहीं भरा है तो भर लो, ठीक है सीयूईटी का फॉर्म भर लो। देखो सीयूईटी का फॉर्म अभी चालू है एंड इसका जो एग्जाम होगा लिखा है कि मई 21 से लेके होगा, मतलब मई लास्ट वीक मान के चलो, तो अभी से फॉर्म फरवरी में फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ, एग्जाम हो रहा है मई में, और आरआई का फॉर्म फिलअप मार्च में स्टार्ट नहीं हुआ है तो जून में नहीं होगा डेफिनेटली, अप्रैल में स्टार्ट होगा तो जुलाई में होगा, ठीक है। इसीलिए ये जो एग्जाम है बहुत रेयर चांस है कि वो एग्जाम आपका जून में हो जाए, ज्यादा चांस है आपका जुलाई में होगा आरआई का एग्जाम, ठीक है आरआई का एग्जाम ज्यादा चांस है आपका जुलाई के महीने में होगा। क्यों मैंने आपको बता दिया, क्योंकि टाइम चाहिए, जैसे फरवरी में स्टार्ट हुआ सीबीटी का, ठीक है उसके बाद अप्रैल मई, ठीक है यहाँ पे सॉरी मार्च अप्रैल मई, फरवरी पूरा महीना है, मार्च अप्रैल मतलब 3 महीना तो चाहिए एटलीस्ट, मतलब फॉर्म फिलअप के साथ और भी जो प्रोसेस है उसके लिए 3 महीना आपको चाहिए, ठीक है। हाँ पिछले साल 24 जुलाई को हुआ था, यस ना, इसमें नहीं कर सकते, मैं बता दूंगा आपको सीवीटी यूजी का फॉर्म फिलअप, पीजी का नहीं आया अभी तक, मैं बता दूंगा, अभी सीवीटी यूजी का चल रहा है, ठीक है ये सीवीटी अंडर ग्रेजुएट का चल रहा है जिसमें 12th के बाद जो है प्लस टू या 12th के बाद वाले बच्चे भर सकते हैं, आप लोग का आएगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है अभी तक नहीं आया है। तो देखो इसमें 3 महीना एटलीस्ट लगेगा, तो अप्रैल में अगर स्टार्ट होता है अप्रैल मई जून तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप के प्रोसेस में लग जाएगा, एग्जाम जो होगा वो जुलाई के महीने में होगा। तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि आरआईसी का एग्जाम जो है वो जुलाई के महीने में होगा, ठीक है आरआईसी के एग्जाम आपका जुलाई के महीने में होगा, ठीक है मोस्ट प्रोबेबल रेयर चांस है कि वो जून में कर सकता है, इससे लेट हो सकता है लेकिन इससे पहले नहीं होगा, जुलाई के महीना जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट मंथ है। बाकी एनसीईटी और आईटीपी उड़ीसा वाला जो है वो कब होगा, तो वो भी जुलाई या उसके बाद होगा, उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म इस महीने में अगर आता है तो जून में चांस है, लेकिन इस महीने में नहीं आता है तो चांस इस महीने में नहीं बनता है। अगर इस महीने के लास्ट तक भी फॉर्म आ जाता है तो हम होप कर सकते हैं कि जून के लास्ट में हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा सिचुएशन नहीं देखने के लिए मिल रहा है, बहुत रेयर चांस है, होता है तो मतलब हम थोड़ा ये बोल सकते हैं कि जून में होगा लेकिन बहुत कम चांस है। तो ओडिशा का आईटीपी का भी एग्जाम, हाँ वो सिलेबस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बता दूंगा आपको, थोड़ा सा रुक जाओ। देखो एग्जाम डेट का पहले हम लोग बात कर लेते हैं, एग्जाम आरआई का जुलाई के महीने में होगा और बाकी जो एग्जाम है आईटीपी का एनसीटी हो गया या फिर आपका उड़ीसा आईटीपी हो गया वो जुलाई या उसके बाद हो सकता है, ठीक है जुलाई मोस्ट जो है आपका अप्रोप्रिएट मंथ है ये सारा एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। अब देखो सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, देखो सिलेबस आपका क्या हो सकता है, देखो जब भी आप कोई टीचिंग एग्जाम देते हो, जब भी आप कोई टीचिंग एग्जाम देते हो ये सब क्या है, ये सब टीचिंग एग्जाम्स है, ये सब जो है आपका टीचिंग एग्जाम्स है, लाइक आपका ओडिशा आईटीपी हो गया, आरआई बीएड हो गया, ठीक है इंटीग्रेटेड हो गया टू ईयर हो, आपका सीयूईटी हो गया, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड डेफिनेटली पूछता है। आप केवीएस मान के चलो, केवीएस एनवीएस जितने भी जगह पे लाइक ओडिशा में ओएवीएस होता है, ठीक है कोई किसी भी आपका किसी भी स्टेट का टीचिंग एग्जाम अगर आप लेते हो तो उसमें आपको डेफिनेटली आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पूछता है। तो ये वाला जो भी एग्जाम होगा एनसीईटी और आईटीपी में, वहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड डेफिनेटली पूछेगा। सिलेबस अगर हम डिस्कस करेंगे तो क्या क्या पूछेगा सब्जेक्ट, देखो एग्जैक्ट सिलेबस तो नहीं पता कर सकते हम लोग, बता सकते सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा डेफिनेटली, ठीक है उसके बाद देखो इंग्लिश या हिंदी नेशनल लेवल पे रहता है, उड़ीसा के केस में उड़िया आपका अल्टरनेटिव हो सकता है या इंग्लिश हिंदी दोनों भी हो सकता है, एनसीटी के केस में एनसीटी के केस में और इंग्लिश उड़िया दोनों हो सकता है, आईटीपी के केस में तो शायद ये उड़िया या हिंदी नहीं भी आ सकता लेकिन इंग्लिश तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है इंग्लिश आपका डेफिनेटली आएगा, ये भी चांस है आने का लेकिन इंग्लिश डेफिनेटली होगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका जैसे जनरल टेस्ट है जिसमें आपका एरिथमेटिक है रीजनिंग है, ये डेफिनेटली जैसे आरआई में सिर्फ रीजनिंग पूछ रहा है लेकिन सीयूईटी में आपका एरिथमेटिक भी पूछ रहा है तो आपका जनरल टेस्ट है, ठीक है ये भी आपका चांसेस है कि जो आईटीपी प्रोग्राम है उड़ीसा वाला और एनसीईटी प्रोग्राम इसमें आएगा, ठीक है तो ये तो हम लोग सीयूईटी के बैच में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है और क्या हो सकता है, जनरल टेस्ट में आपका करंट अफेयर्स है या जनरल नॉलेज है,
ये भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। बीए बीएड का अलग एग्जाम कर ले, बीएससी बीएड का अलग कर ले, वहां पे इसमें जो आपका एनसीईटी एनआईटीपी में उसमें आपका कुछ कुछ करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज पूछ सकता है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट कंटेंट जो होता है, अगर आर्ट्स वाले में देखेंगे तो आर्ट्स वाले में शायद वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक पूछ ले जैसे सीयूईटी पूछ रहा है, और साइंस वाले में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या फिर उसमें से तीन सब्जेक्ट या चार भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो मैक्सिमम अगर हम लोग मैक्सिमम अगर कुछ हो सकता है तो वो क्या हो सकता है, मैक्सिमम सब्जेक्ट जो हो सकते हैं जैसा सीयूईटी में है उसी तरह का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, ये आपका सिलेबस रहेगा। तो हम जो हमारा अभी जो एक्सपर्टीज जिसके अंदर हम लोग आपको आरआईसी का जो सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम लोग ये आपको चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश एंड रीजनिंग आरआईसी के लिए, एंड एरिथमेटिक एंड जो आपका करंट अफेयर जीके वगैरह जो है वो सीयूईटी के बैच में आपको मिलेगा, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका। और उसी के साथ साथ हम लोग एनसीईटी एंड उड़ीसा आईटीपी का प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं बाय एज्यूमिंग दिस थिंग कि ये डेफिनेटली सिलेबस इससे बाहर तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या क्या पढ़ सकते हैं, हम सब्जेक्ट कंटेंट को छोड़ के बाकी सब चीज पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो डेफिनेटली होगा। इससे मान के चलो एक सब्जेक्ट नहीं आता, करंट अफेयर फॉर एग्जांपल नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारा चीज तो हम लोग पढ़ सकते हैं ना। ये सुनो, सब्जेक्ट कंटेंट जैसे ही आपका एग्जैक्ट सिलेबस लॉन्च होता है सब्जेक्ट कंटेंट भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके लिए जो है सेपरेट टीचर्स चाहिए होंगे तो वो हम लोग उसके हिसाब से जो है रिक्रूट करके फिर आगे का ये करेंगे, लेकिन जो कॉमन सिलेबस हो सकता है उसके लिए हम अभी से आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। हाँ, सीयूईटी बीएड के केस में भी जीके रहता है, सीयूईटी जो टू ईयर बीएड का होता है उसमें भी आपका जीके रहता है, ठीक है, ओके। और क्या क्या डाउट आपने पूछना, उड़ीसा में कौन कौन सा कॉलेज में अवेलेबल है, एक लिस्ट मैंने बहुत पहले बनाया था, वीडियो मैं भेज दूंगा आपको, वो देखना, सेपरेट वीडियो हम भेज देंगे आपको आईटीपी उड़ीसा के लिए। एनसीटी में टू ईयर बीएड नहीं है, एनसीटी का एग्जाम जो है ना, एनसीटी का एनसीटी अलग चीज है, एनसीटी का एग्जाम जो होगा उसमें टू ईयर बीएड नहीं, वो आईटीपी के लिए है। आईटीपी का मतलब होता है आपका इंटीग्रेटेड टीचर जो ट्वेल्थ के बाद होता है। कन्फर्म है आईटीपी का प्रोग्राम उड़ीसा में स्टार्ट होगा, ठीक है, फॉर्म कब आएगा, नेक्स्ट मंथ में आएगा, ठीक है, लास्ट ईयर प्रभु सा 24 जुलाई जो है लास्ट ईयर का एग्जाम डेट आपको दिखा रहा है, ठीक है। मीनाक्षी भारती आईटीपी जो है टू ईयर बीएड प्रोग्राम नहीं करता, आईटीपी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड टीचर जो आपका ट्वेल्थ के बाद होता है, ठीक है, तो ये सब चीज है, फुल फॉर्म आईटीपी इंटीग्रेटेड टीचर, ओके। देखो तो नेक्स्ट हम लोग आगे अभी हम लोग इसका प्रिपरेशन करेंगे। एनसीटी मतलब होता है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। देखो आप एनसीटी के वेबसाइट में जाओ, एनसीटीई के वेबसाइट में जाओ जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसके वेबसाइट में जाके आप देखोगे तो पूरा न्यूज, मैंने इसके ऊपर एक स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर किया था, जब इसमें जाते हो तो आपको एनसीईटी का एग्जाम के बारे में जो 57 यूनिवर्सिटी अप्रूवल देने वाले हैं उसके ऊपर वो एक न्यूज उसके उसमें है एनसीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट में, तो वो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग अभी कुछ पढ़ाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा था, किसी भी एग्जाम आप देते हो, केवीएस एनवीएस ओएवीएस या कोई भी एग्जाम देते हो तो हर एक एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे डेफिनेटली पूछेगा, क्योंकि आपको बनना है टीचर, ठीक है। एंड ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, एक बेस्ट टीचर्स के अंदर क्या एप्टीट्यूड होता है वही इसके अंदर रहता है, तो इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक सिर्फ एग्जाम क्रैक कराने के लिए ये जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके बाद बच्चों को अच्छे से पढ़ाने के लिए, एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए एंड एक टीचर लीडर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आगे जाके सिर्फ बीएड प्रोग्राम में एनरोल होने के लिए नहीं, बल्कि आगे जाके सीटेट का एग्जाम या स्टेट टेट का एग्जाम या केवीएस एनवीएस या कोई भी टीचरशिप का एग्जाम आप देते हो तो उस केस में आपके सामने ये टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट तो कॉमन है आपका, इंग्लिश रीजनिंग हर एक एग्जाम में आता है, लेकिन ये टीचिंग एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है आपको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये एप्टीट्यूड क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। हम लोग देखेंगे टीचिंग और एप्टीट्यूड दोनों वर्ड को पहले समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं एप्टीट्यूड क्या होता है। टीचिंग का मतलब तो नॉर्मली पढ़ाना होता है, ठीक है, टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड इज द इंटरनल एबिलिटी और टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हिच मेक्स द डिफरेंस विद अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो, आपके अंदर किसी चीज के ऊपर अगर एप्टीट्यूड है तब आप किसी दूसरे स्टूडेंट से अलग हो, ठीक है, समझ गए आप लोग।
एप्टीट्यूड ऑफ एनी स्टूडेंट्स इज द इंटरनल एबिलिटी, आपके अंदर का टैलेंट, आपके अंदर का इंटरनल एबिलिटी जो आपको दूसरों से अलग बनाता है, दैट इज योर एप्टीट्यूड। एंड ये सिंपली कल्टीवेट नहीं कर सकते, वन कैन नॉट सिंपली कल्टीवेट एप्टीट्यूड, आपके अंदर ऐसे ही नहीं आ जाएगा एप्टीट्यूड। एक दो वीडियो फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब में देख लिया या स्टडी मटेरियल से थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया तो एप्टीट्यूड नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस। ठीक है, जहां जहां मैं आपको मतलब कीवर्ड बोलूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एप्टीट्यूड एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, रिगोरस प्रैक्टिस, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड प्रैक्टिस आप तब कर सकते हो जब आपके अंदर इंटरेस्ट होगा, जब आपके अंदर इंटरेस्ट होगा तभी आप उस चीज में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने आरआईसी का बैच इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि आपको टीचर बनने के लिए आप इंटरेस्टेड हो, इसीलिए आपने आरआईसी का बैच ज्वाइन किया, स्टडी मटेरियल या पढ़ाई कर रहे हो, दैट मींस आपके अंदर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, इसीलिए आप जो है जो क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे उसको आप प्रैक्टिस करोगे एंड तभी जो है आपका एप्टीट्यूड डेवलप होगा। सो इंटरेस्ट रहेगा तभी प्रैक्टिस करोगे, तभी एप्टीट्यूड डेवलप होगा। सो टू बी ए स्ट्रॉन्ग इन एप्टीट्यूड स्टूडेंट मस्ट हैव एनोरमस इंटरेस्ट इन द एरिया विच इन विच दे आर इंटरेस्टेड। तो ये आपका कीवर्ड नंबर वन है, कीवर्ड नंबर वन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक कीवर्ड है क्वेश्चन में ना, पूरा एक पूछता है इफेक्टिव टीचर बनने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक बच्चे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए उनके अंदर क्या होना चाहिए, चार ऑप्शन दिया होगा, उसमें अगर इंटरेस्ट वाला ऑप्शन है या हिडन है, इंटरेस्ट आपको सीधा सीधा तो नहीं लिखा है लेकिन हिडन है, तो वो ऑप्शन करेक्ट होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। जो जो मैं आपको कीवर्ड बोलूंगा वो आपको एग्जाम में पूछने का चांस बहुत ज्यादा होता है और क्वेश्चन के अंदर भी वो ऑप्शन डेफिनेटली होता है, तो वो आंसर हो जाने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर किसी स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट है तभी वो एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता है, लाइक दैट अगर किसी टीचर के अंदर अच्छा इंटरेस्ट है बच्चों को पढ़ाने के लिए तभी वो एक इफेक्टिव टीचर बन सकता है। ठीक है, किसी भी एरिया में आप काम कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट बहुत मतलब आपके लिए इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो स्टूडेंट्स मस्ट हैव एनर्मस इंटरेस्ट इन द एरिया इन विच दे आर इंटरेस्टेड। टीचिंग एप्टीट्यूड इज टोटली डिपेंड ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टुवर्ड्स टीचिंग। एक स्टूडेंट्स का एक टीचर का इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा तभी वो एक अच्छा टीचर बन सकता है, नहीं तो वो नहीं बन सकता एक इफेक्टिव टीचर। ठीक है, एंड एक अच्छा टीचर बनने के लिए एक गुड टीचर, देखो आरआईसी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, मैं यहाँ पे कीवर्ड नंबर टू बोल देता हूँ, की कंसेप्ट इफेक्टिव टीचर पूछता है। ठीक है, इफेक्टिव टीचर बनने के लिए क्या आपको चाहिए, इफेक्टिव टीचर बनने के लिए क्या चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लिखते जाना, थोड़ा एक नोट आप थोड़ा थोड़ा बनाते रहना टीचिंग एप्टीट्यूड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको ये एश्योर करता हूँ, क्लास के बाहर आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो भी हम आपको टेस्ट सीरीज के अंदर या मटेरियल के अंदर दिए हैं क्वेश्चन आप कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन क्लास में जो भी पढ़ाऊंगा उसी के अंदर से आपको सारा चीज आएगा जो बेसिक कंसेप्ट है। हाँ, करंट अफेयर्स वाला जो चीज है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है जिसमें 25 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 30 में से 25 से ज्यादा क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें डायरेक्टली आएगा, बाकी जो कुछ क्वेश्चन है वो आपको कुछ रट्टा मानना पड़ेगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। 6 टॉपिक में से 5 टॉपिक बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है और जो मैं पढ़ाऊंगा वो सारा क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो अगर आप अच्छे से सुनते हो, नोट डाउन करते हो। तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, नोट डाउन करना, आप लोगों के पास ये बुक होगा, इसी बुक में ही सब कुछ है। ठीक है, इसी बुक के अंदर ही सब कुछ है। ठीक है, तो इसी के ऊपर ही आपको जो है नोट डाउन करना है, कर सकते हो बुक के अंदर, या आप पेंसिल से या पेन में नोट डाउन कर सकते हो, या एक सेपरेट नोटबुक बनाना बहुत बेहतर है, एक सेपरेट नोटबुक बना लेना, उसमें आप जो है लिखते रहना जो जो कीवर्ड है। तो सेकंड आपका जो कीवर्ड है वो इफेक्टिव टीचर, एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, इफेक्टिव टीचर बनने के लिए आपको कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज कुछ जो है कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, आप या फिर पेरेंट्स या किसी भी और स्टेक होल्डर या किसी भी और पर्सन के प्रति आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, एक आइडियल बिहेवियर होना चाहिए जिसको बच्चे फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ आप कल्चरल पर्सन, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपके अंदर अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर कल्चर को आपको फॉलो करना होगा तभी बच्चे आपको जो है रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर प्लस कल्चर दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एज ए टीचर, बिकॉज यू आर एन आइडियल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी रेस्पेक्ट्स यू अ लॉट, यू आर द नेशन मेकर। टीचर क्या होता है, टीचर नेशन मेकर होता है,
नेशन मेकर होता है। टीचर क्या होता है? नेशन मेकर होता है। टीचर क्या होता है? एक सोसाइटी का बैकबोन होता है, ठीक है, हर एक सोसाइटी का बैकबोन होता है टीचर, एंड बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है टीचर यंग चाइल्ड को नर्चर करने के लिए। टू द यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्चरिंग द यंग माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट्स वाई योर चाइल्ड, दैट्स वाई यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इसीलिए आपके अंदर बिहेवियर प्लस कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। एंड द पर्सन रियल टीचर मस्ट बी क्यूरियस, ठीक है। इफेक्टिव टीचर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पूछेगा तो बिहेवियर प्लस कल्चर हो गया। और क्या क्या हो सकता है एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए, आपको और क्या चाहिए एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए? आपको चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए क्यूरियोसिटी। आपके अंदर क्या होना चाहिए? क्यूरियोसिटी। आप क्यूरियस हो बच्चों के बारे में जानने के लिए, तभी आप बच्चों के बारे में अच्छे जान सकते हो, न्यू कंसेप्ट पढ़ सकते हो और बच्चों को न्यू कंसेप्ट हमेशा अपडेट कर सकते हो, ठीक है। याद रखना टीचर को एक क्या बोला जाता है, एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बोला जाता है, ठीक है। टीचर भी क्या होता है, एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है, ठीक है। एक टीचर जो होता है एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है, इसीलिए आप हमेशा क्यूरियस ओपन माइंडेड होना चाहिए। एक टीचर, एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए, एक नॉर्मल टीचर को एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए क्यूरियस होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए। ऑब्वियसली आपके अंदर और क्या होना चाहिए, इनडेप्थ नॉलेज होना चाहिए अपने सब्जेक्ट कंटेंट में। इसके साथ साथ बच्चों के प्रति लव एंड फेथ होना चाहिए, लव एंड फेथ फॉर द स्टूडेंट्स। इसके अलावा और क्या चीज होना चाहिए एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए, आपके अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल। और क्या होना चाहिए, आप जो है प्रॉपर जो है टीचिंग मेथड को अप्लाई करना चाहिए, मास्टरी ओवर कम्युनिकेशन स्किल, मास्टरी ओवर सब्जेक्ट कंटेंट, सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप सिलेक्टेड होंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट कंटेंट, मास्टरी ओवर सब्जेक्ट कंटेंट, मास्टरी ओवर कम्युनिकेशन स्किल, मास्टरी ओवर टीचिंग मेथड, मास्टरी ओवर टीचिंग स्किल्स। ये जब आपके अंदर होगा तभी आप एक इफेक्टिव टीचर बन सकते हो। यस यस, टीचिंग क्या, हाँ यस, मास्टरी ओवर टीचिंग एड्स आल्सो, मास्टरी ओवर टीचिंग एड्स। आपके अंदर टीचिंग एड कैसे यूज करना है उसके ऊपर भी आप मास्टर होना चाहिए, मास्टरी ओवर टीचिंग एड्स। टीचिंग एड मतलब क्या होता है, जो इक्विपमेंट्स आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे, मैं एक, ये मेरे लिए टीचिंग एड हो सकता है, जब मैं यहाँ पे आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, कुछ अच्छा से पिक्चर दिखाऊंगा, तो ये डिजिटल बोर्ड भी आपके सामने क्या हो सकता है, एक टीचिंग एड हो सकता है। कोई ग्लोब भी आपके सामने टीचिंग एड है। मैं कंप्यूटर के बारे में पढ़ा रहा था, ये माउस मैं दिखाऊंगा तो ये भी एक टीचिंग एड हो सकता है। टीचिंग एड वो सब इक्विपमेंट होता है जो आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए हेल्प करता है। वो एक रेफरेंस मटेरियल भी एक टीचिंग एड हो सकता है, ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन आप रेफरेंस के हिसाब से फॉलो कर रहे हो, ये सब टीचिंग एड होता है। तो टीचिंग एड कहाँ पे, कौन सा टीचिंग एड यूज करना है वो भी जानना एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर अगर आपके अंदर मास्टरी है तभी जो है आप एक अच्छा टीचर बन सकते हो, एक इफेक्टिव टीचर बन सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है एक अच्छा टीचर बनने के लिए, टीचर के अंदर क्या क्या होना चाहिए। टीचिंग तो मैंने आपको बता दिया, टीचर जो होते हैं सोसाइटी के बैकबोन होते हैं, जो यंग चाइल्ड के माइंड को नर्चर करते हैं। द बेस्ट टीचर ऑलवेज गिव्स नॉलेज एंड स्किल, सिर्फ नॉलेज नहीं देते हैं स्किल भी सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है, सिर्फ नॉलेज नहीं देते बच्चों को स्किल भी सिखाते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए होता है, एंड ये बहुत इफेक्टिव वे में करने का कोशिश करते हैं। बेस्ट टीचर का मतलब यहाँ पे बोल रहा है इफेक्टिव टीचर, जो मैं अभी आपको एक की वर्ड या की टर्म बता रहा था, ठीक है। बेस्ट टीचर मतलब इफेक्टिव टीचर, इफेक्टिव वे में बच्चों को पढ़ाते हैं। टीचिंग, सिंपली टीचिंग क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा टीचिंग इज व्हाट, चार ऑप्शन दे देगा, तो सिंपली टीचिंग क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड आपके आ जाएंगे। टीचिंग क्या होता है, टीचिंग बेसिकली मीन द इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स इन एन इंटरेक्टिव वे, इंटरेक्टिव वे, ठीक है। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन तो होगा लेकिन वो इंटरेक्टिव वे में होगा, बोरिंग वे में नहीं, इंटरेक्टिव वे में, और इसी इंटरेक्टिव वे में दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। टीचर एंड स्टूडेंट्स विल बोथ, टीचर एंड स्टूडेंट्स बोथ पार्टिसिपेट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। तो ये जो पार्टिसिपेशन है, इस पार्टिसिपेशन को हम लोग कहते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन। एपी मतलब क्या है आपका, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, कीवर्ड नंबर 3, ठीक है। नंबरिंग अपने हिसाब से करना, मैं कीवर्ड हैशटैग कर दे रहा हूं, वो कीवर्ड है, नंबरिंग आप अपने हिसाब से करना, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये क्या है आपका एक्टिव पार्ट, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है एक्टिव पार्टिसिपेशन। क्लास में बच्चे कैसे होना चाहिए, क्वेश्चन आपको पूछेगा एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, पैसिव पार्टिसिपेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तो आंसर आपको चूज करना है एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। टीचर में एक्टिव पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होगा तब तक बच्चे अच्छे नहीं समझेंगे। और एक्टिव पार्टिसिपेशन कौन सा मेथड में होता है,
टीचिंग मेथड के में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस मेथड को बोलते हैं डिस्कशन मेथड। क्या बोलते हैं? डिस्कशन मेथड। ठीक है, डिस्कशन मेथड में टीचर और स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज बोला है म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट क्या है? म्यूचुअल बेनिफिट मतलब टीचर का बेनिफिट क्या है, बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे, सोसाइटी को एक अच्छा सिटीजन मिल जाएगा, ये टीचर को चाहिए, ऑब्जेक्टिव टीचर का ये है। बच्चों का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो लेसन को अच्छे से समझेंगे एंड सोसाइटी के लिए एक अच्छा सिटीजन बनेंगे। दोनों की तरफ से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव है, तो दोनों का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फुलफिल होता है। तो बोथ स्टूडेंट्स एंड टारगेट, वो अपना स्टूडेंट्स एंड टीचर दोनों अपने ऑब्जेक्टिव को या टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं। तो बहुत वर्ल्ड में ना बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग डेफिनेशन बोला है, तो अगर हम लोग सारा डेफिनेशन देखेंगे तो मतलब उसमें ही पूरा ये हो जाएगा। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम लोग जो मैं एक लिस्ट बना दूंगा जो टॉपिक 6 के अंदर हम लोग देखेंगे। नॉर्मली हम लोग बेसिक कंसेप्ट में क्या समझ रहे हैं कि टीचिंग क्या होता है? टीचिंग एक एक्टिविटी है विच प्रोवाइड एजुकेशन टू अदर, जिसमें टीचर दूसरों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? टीचर। और जिसको एजुकेशन मिलता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट। सो टीचर यूज डिफरेंट मेथड फॉर गिविंग बेस्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स। टीचर क्या करते हैं? अपना जो है अपना नॉलेज यूज करके बच्चों को बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, क्लियर? ये आपका होता है टीचिंग। ओके, नेक्स्ट। यस, बोलो। Yes. अगर सिर्फ आपको बेस्ट मेथड पूछेगा, ठीक है, अगर आपको बेस्ट मेथड पूछेगा तो बेस्ट मेथड याद रखना, बेस्ट टीचिंग मेथड होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड इज द बेस्ट टीचिंग मेथड बिकॉज हियर वी शो समथिंग, बच्चों को कुछ दिखाते हैं। When we show something, all the sense organs are involved. They listen, they see and they also feel. ठीक है, वो feel भी कर सकते हैं। तो उनका जो है sense organ involved इसमें होता है, mind involved होता है। तो इससे बच्चे अच्छे से समझते हैं, long term के लिए समझ जाते हैं, life long learning हो जाता है यहाँ पे। तो best teaching demonstration method होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है आपका डिस्कशन मेथड है। अगर ऑप्शन में डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिया तो फिर डिस्कशन विल बी द बेस्ट वन। ठीक है, लेक्चर मेथड कब हम लोग यूज करते हैं? जब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेशन करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट। एक हॉल में 100-200 बच्चे बैठे हैं तो सबके साथ डिस्कशन नहीं कर सकते। डिस्कशन मेथड का मतलब होता है सब बच्चों के साथ बात करना। ठीक है, मोस्ट इंटरेक्टिव मेथड क्या हो जाएगा आपका? डिस्कशन मेथड। वेरी गुड। ठीक है, मोस्ट इंटरेक्टिव मेथड आपका डिस्कशन मेथड है एंड जिसमें मास या मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आपको करना है वो आपका लेक्चर मेथड हो जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे वो आपका लेक्चर मेथड होता है। तो मोस्ट आपका इंटरेक्टिव मेथड डिस्कशन मेथड है, मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन लेक्चर मेथड एंड बेस्ट ओवरऑल बेस्ट टीचिंग मेथड जो होता है आपका ये होता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। मैक्स, यस देखो क्या होता है ना, जब भी एक्टिव पार्टिसिपेशन के बारे में पूछता है, मतलब डिस्कशन मेथड तब आंसर होता है जब पूछता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, मैक्सिमम एक्टिव पार्टिसिपेशन किसमें हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो वो डिस्कशन मेथड हो जाएगा। लेकिन आपको मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बोल रहा है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन बोल रहा है, तो वो हो जाता है आपका लेक्चर मेथड। तो कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे, थोड़ा इनडेप्थ स्टडी करेंगे तो वो हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं उस तरह का क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर? ओके, देखो टीचर का और क्या क्या रोल होता है। टीचर का रोल होता है, टीचर अपना बेस्ट ट्राई करते हैं बच्चों को समझाने के लिए। टीचर एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को लर्न, सीखने के लिए। टीचर इंटरेक्शन करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे टीचर और क्या करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आगे हम लोग देखेंगे टीचर का क्या क्या रोल होता है। ठीक है, अब देखो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। हाँ, एक चीज यहाँ पे देखो लिखा है, मेनी ग्रेट टीचर ऑफ द वर्ल्ड डिफाइन टीचिंग इन डिफरेंट वे, अलग अलग वे में डिफाइन करते हैं। वी कैन से दैट टीचिंग इज जस्ट टू ट्रेन द स्टूडेंट सो दैट दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फूट, अपने पैरों पे खड़ा करते हैं, मतलब उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, एक जॉब के लायक बनाना, या फिर सेल्फ डिपेंडेंट, या फिर सोसाइटी के लिए एक अच्छा पर्सन बनाना, सोसाइटी के लिए एक अच्छा पर्सन बनाना
टीचर का ऑब्जेक्टिव होता है, सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव होता है। इसलिए जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है ना, वो तो स्टूडेंट सेंटर्ड तो है, ठीक है, याद रखना, ये भी एक कीवर्ड है आपका। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, IQ, इसके इस चीज को ये करके पढ़ाते हैं, ठीक है। एंड दूसरा चीज है, प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज ऑल्सो सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हम लोग सोसाइटी के नीड एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम। तो दो चीज है, स्टूडेंट सेंटर्ड भी है, सोसाइटी सेंटर्ड भी है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ये भी की वर्ड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, मतलब सोसाइटी के नीड एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए। सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, सोसाइटी के नीड एंड इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम। सोसाइटी को ध्यान में रखे और उसके अकॉर्डिंग, उसके जो नीड एंड डिमांड है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखो, इंडिया में ज्यादा क्या चाहिए, टीचर्स चाहिए, इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए। इसलिए देखना जो भी मतलब अभी आजकल के जमाने में, अभी तो टीचर्स का ज्यादा क्रेज है, पहले क्या होता था, डॉक्टर्स इंजीनियर का ज्यादा क्रेज था, ज्यादा डिमांड डॉक्टर इंजीनियर्स का था, अभी भी है, तो ज्यादा बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत खुल गए पूरा, क्योंकि डिमांड क्या था सोसाइटी का हमारे इंडिया में, कि मेनली हमको जो है इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए। फिर देखा कि इनको पढ़ाने के लिए टीचर्स भी तो चाहिए, अब फिर टीचर्स को पुश करने लगे बीएड प्रोग्राम्स वगैरह करके, ठीक है, तो टीचर्स भी आने लगे, ठीक है। किसी और कंट्री में आप जाओगे तो वहां पे लाइक यूएस में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंटरप्रेन्योर्स इनको ज्यादा प्रमोट करते हैं, जापान में जाओगे डिसिप्लिन लाइफ ये सॉफ्टवेयर स्किल के ऊपर ज्यादा प्रमोट करें, चाइना में जाओगे तो वहां पे सोसाइटी का डिमांड कुछ अलग होगा, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स वहां पे भी होगा। तो लाइक दैट, मतलब हर एक कंट्री में ना उनका सोसाइटी का डिमांड कुछ और होता है। एक आप बहुत गरीब जो सोसाइटी होगा, फॉर एग्जाम्पल लाइक ट्राइबल सोसाइटी में जाओगे, उस सोसाइटी का डिमांड कुछ और होगा। यहाँ पे बच्चे जो भी पढ़ेंगे वो आपका जंगल के अंदर जो चीज चलेगा उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, लेकिन एक टाउन में पढ़ने वाला बच्चा का जो डिमांड होगा सोसाइटी का वो अलग होगा, ठीक है। तो सोसाइटी डिपेंड करता है बच्चों को कैसे पढ़ाना है, इसलिए इसको सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं। लेकिन हम लोग अभी जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को भी ध्यान में रखते हैं, इन द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे गुरुकुल सिस्टम होता था, दे आर गुरु वॉज द सुप्रीम लीडर, वो होते थे, वो जो बोलेंगे बच्चों को वही रटना पड़ेगा, रोट मेथड उसको बोलते हैं। लेकिन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में बच्चे के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाना पड़ता है, इसलिए टीचर का रोल को एज ए फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज बोला जाता है, एज ए फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज, ठीक है। टीचर को क्या बोला जाता है, फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज बोला जाता है, क्लियर। जो बच्चों को पढ़ने के लिए मदद करते हैं, ना कि सब कुछ पढ़ा देते हैं, ये बोले ऐसे ही करो वैसे ही करो, सब कुछ नहीं बोलेंगे, बच्चों को हेल्प करते हैं पढ़ने के लिए, गाइड करते हैं, फ्रेंड, फिलोसोफर, फैसिलिटेटर, ये सब बोलते हैं टीचर का प्रेजेंट रोल, ठीक है, क्लियर। तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड को कैसे समझोगे आप लोग, टीचिंग एप्टीट्यूड इज द प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग द पीपल्स नीड, एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स एंड मेकिंग स्पेसिफिक इंटरवेंशन टू हेल्प देम लर्न पर्टिकुलर थिंग्स। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग पीपल, मतलब यहाँ पे प्यूपिल बोल सकते हो या स्टूडेंट बोल सकते हो, स्टूडेंट्स का नीड, उनका एक्सपीरियंसेस, उनका फीलिंग को समझ के उनको उसी के अकॉर्डिंग गाइड करेंगे, एंड जब जरूरत पड़े वहां पे हम लोग स्पेसिफिक इंटरवेंशन करेंगे, वी विल डू स्पेसिफिक इंटरवेंशन फॉर देम। एंड व्हाट इज स्पेसिफिक इंटरवेंशन मींस, वी विल डू टेस्ट, वी विल डू इवैल्यूएशन, वी विल गिव सम फीडबैक, वी विल गिव सम सजेशंस, जहां जो जरूरत पड़े हम उनको हेल्प करेंगे, ठीक है, ताकि वो पर्टिकुलर थिंग को समझ पाए, सीख पाए। इंटरवेंशन के अंदर क्वेश्चनिंग, लिसनिंग, इंफॉर्मेशन गिविंग, एक्सप्लेनिंग, ये सब आ सकता है जिसमें, या फिर इसके साथ आप कोई स्किल का डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हो, आप किसी चीज का, किसी प्रोसेस का डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग का, उनका कैपेसिटी का टेस्टिंग कर सकते हो, एंड इसके साथ साथ उनको फैसिलिटेट कर सकते हो नोट मेकिंग में, डिस्कशन में, असाइनमेंट राइटिंग, साइमुलेशन, ठीक है, एंड प्रैक्टिस वगैरह में, ठीक है। Discussion method can be used when, discussion method used where the classroom is very small, 30-40 students वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे discussion method करते हैं। आजकल present education system में, school में ज़्यादातर हम लोग discussion method को follow करते हैं, इसीलिए देखना class का strength 40 रहता है, ठीक है, 40 students रहते हैं, 1:30 या 1:40 को हम लोग जो है rule में है कि एक
एक क्लास एक मतलब 30 हर एक 30 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर होना चाहिए, या हर 40 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर होना चाहिए। ये हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ेंगे। ये 1:30 है, 1:40 है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कितने बच्चों पे कितना टीचर चाहिए। अगर किसी स्कूल में फॉर एग्जाम्पल हम 1:30 इज द करेक्ट आंसर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 300 बच्चे अगर किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको 10 टीचर चाहिए, ठीक है। अगर 1:40 वाला सिस्टम है तो 400 बच्चे पढ़े तो 10 टीचर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर का रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। इंटरवेंशन क्या होता है, आशुतोष पूछ रहे हो। इंटरवेंशन का मतलब होता है उनको हम लोग क्या करते हैं एज ए टीचर, हम इंटरवीन मतलब उनको हेल्प करते हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम है उसमें हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जहां पे जो जरूरत पड़े हेल्प करते हैं। सिंपली इंटरवेंशन का मतलब होता है आप हेल्प मान के चलो यहाँ पे, तो इंटरवीन का मतलब होता है उनको जो कुछ जो भी चीज है उनके लिए उसको अच्छे से ये करने के लिए हेल्प करना, टू यस कोऑपरेट देम, यस टू कोऑपरेट देम। हाँ, इंटरप्रेट इंटरफियर है बट नॉट इन द नेगेटिव सेंस, इट इज इन पॉजिटिव सेंस। यस अकॉर्डिंग टू एनईपी 30:1, ठीक है, ठीक है, देख लेना 30:1 ही होगा, ठीक है, या फिर अगर 40:1 भी है तो थोड़ा सा देखेंगे एनईपी, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो आप लोग देख सकते हैं आपके पास बुक है तो इसी बुक के अंदर आपको टॉपिक 6 में मिल जाएगा, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है, हम डिस्कस भी तो आगे करेंगे इसको, ठीक है। तो यही आपका मेन चीज है, आपको इस तरह से समझना पड़ेगा। तो देखो बिंगहम नाम का एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने ये चीज बोला था कि टीचिंग एप्टीट्यूड इज ए स्पेसिफिक एबिलिटी, ठीक है, पोटेंशियलिटी और इंटरेस्ट या सेटिस्फेक्शन और फिटनेस इन टीचिंग प्रोफेशन। मतलब एज ए टीचर, कोई टीचर टीचिंग प्रोफेशन में है तो वो कितना काबिल है, स्पेसिफिक एबिलिटी उसके अंदर है कि नहीं, वो कितना पोटेंशियली स्ट्रांग है, कितना टीचिंग में इंटरेस्टेड है, कितना सेटिस्फाइड है, कितना फिट है, वो डिपेंड करता है। कोई टीचर बहुत ज्यादा एबल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है बच्चों को संभालने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, अपने काम में सेटिस्फाइड है और फिट है पढ़ाने के लिए, तो उसके अंदर एप्टीट्यूड भी स्ट्रांग होगा। जितना ये सब फैक्टर्स स्ट्रांग होंगे एप्टीट्यूड भी उतना स्ट्रांग होगा, एंड वो जो है इफेक्टिव टीचर बन पाएगा। वो टीचर क्या बन पाएगा, इफेक्टिव टीचर बन पाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स क्या होता है, इंटरेस्ट इन टीचिंग वर्क, ओरिएंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ऑफ टीचिंग प्रिंसिपल, मतलब टीचिंग प्रिंसिपल कैसे करोगे और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, प्लानिंग करोगे फिर इम्प्लीमेंटेशन करोगे। पहले हमने ओरिएंटेशन क्लास किया, फर्स्ट क्लास क्या था हमारा ओरिएंटेशन क्लास, के हम लोग कैसे पढ़ेंगे फिर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो टीचिंग टीचर भी क्या करते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे उसके लिए ओरिएंटेशन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि कौन कौन सा प्रिंसिपल्स, कौन कौन सा मेथड को हम लोग पढ़ाते टाइम यूज करेंगे, कहाँ पे किस क्लास में कौन सा मेथड यूज होगा, ठीक है। तो ये सब चीज रहता है। अंडर द गैम्यूट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड टीचिंग स्किल ऑक्यूपाइज अ मेजर प्लेस। तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर आपका टीचिंग स्किल है, टीचिंग इंटरेस्ट है, आपका आपका इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट है, बहुत सारी चीज आपका रहता है, ठीक है। तो ये आपका टीचिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है, बच्चों को कैसे पढ़ाओगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तुम्हारा टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है वो हम समझ गए, ठीक है, टीचिंग क्या होता है वो हम समझे, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है वो भी हम समझ गए, एप्टीट्यूड क्या होता है वो भी हम समझ गए। अब देखो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन होता क्या, टीचिंग क्या होता है वो पहले समझेंगे। देखो टीचिंग में क्या होता है, बच्चों को हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वी गाइड देम एज वेल एज वी ट्रेन देम फॉर एन इफेक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, टू मेक देम एन इफेक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। यस हाँ, अच्छा न्यू बुक में आप ओके ठीक है। तो ओके तो वन वर्ड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, तो यहाँ पे इन शॉर्ट में क्या क्या पढ़ाया बुक में और एक बार मतलब एक पैराग्राफ में, पहले ये नहीं था बाद में हमने इसको ऐड किया है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में क्या हम लोग क्या मतलब इसको समझेंगे, जो हम आप अभी तक जो हम डिस्कशन किए हैं इसको समराइज करेंगे तो कैसे समराइज करेंगे, वो इन शॉर्ट में लिखा हुआ है। सो द एबिलिटी विच इज रिक्वायर्ड टू लर्न टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड टू बिकम एन इफेक्टिव टीचर आफ्टर द ट्रेनिंग इज ओवर इज कॉल्ड टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड एक्चुअल में आपका डेवलपमेंट होता कब है, जो हम रियल लाइफ पे जाएंगे, ये तो थ्योरी पढ़ रहे थे, अब रियल लाइफ पे बात करते हैं जो इन शॉर्ट में आपका लिखा हुआ है। देखो जिनके पास ये बुक गया है डायरेक्टली देख लो, जिन बहुत एक दो स्टूडेंट जो न्यूली ज्वाइन उनके पास नहीं गया होगा, लेकिन बाकी सबके पास ये होगा, पेज नंबर 2 में देखना इन शॉर्ट। यहाँ पे देखो क्या समझना है, रियल लाइफ पे टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या एक्चुअली, जब भी आप बीएड प्रोग्राम में इंटीग्रेटेड या 2 ईयर बीएड प्रोग्राम में एनरोल्ड होते हो
तब वहां पे जब जाते हो प्रोग्राम, टीचिंग प्रोग्राम आपका होगा, फिर उसके बाद आप जो है ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, तब तक आपका ये जो प्रोग्राम आपका टीचिंग एप्टीट्यूड डेवलप कराता रहेगा। ठीक है, द एबिलिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू लर्न टीचर, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब जो आपको एज ए टीचर चाहिए वो आपको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाएंगे एंड अकॉर्डिंगली आपका टीचिंग एप्टीट्यूड डेवलप होगा। इन ऑर्डर टू नो व्हिच क्वालिटीज कैन बी पुट इन टू द कैटेगरी ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, वी शुड फर्स्ट नो व्हाट आर द टास्क दैट ए टीचर परफॉर्म। हमको टीचिंग एप्टीट्यूड को समझने से पहले क्या क्या क्वालिटीज एक टीचर के लिए बेहतर है या होना चाहिए उसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि टीचर का काम क्या है। जब तक हम काम नहीं समझेंगे तब तक कैसे करना है कैसे समझेंगे, ये सुन लो। सो इसीलिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि टीचर एक स्कूल में, एक क्लासरूम में क्या क्या काम करते हैं, एंड द एबिलिटीज एंड द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द टीचर टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी इज टेक्निकली कॉल्ड टीचिंग एप्टीट्यूड। जो भी एक्टिविटी इन सब चीज को समझने के बाद आप करोगे, ठीक है, ठीक है, और जो स्किल्स आपको चाहिए इन सब चीज को करने के लिए उसी को टीचिंग एप्टीट्यूड बोलेंगे। जो हम थोड़ा देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि आपका एबिलिटीज, आपका सेटिस्फैक्शन, फिटनेस, ये सब से डिटरमाइन करता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कितना स्ट्रांग होगा। तो ये सब चीज आप जब समझ जाओगे तभी आप एक बेहतर टीचर बन सकते हो। इसीलिए ये सब चीज एबिलिटीज स्किल्स जो आपको चाहिए अच्छा काम करने के लिए उसी को ही हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं, टेक्निकल टर्म है। तो अगर हम लोग प्री ट्रेनिंग एंड पोस्ट ट्रेनिंग, जो रियल लाइफ सिचुएशन में प्री ट्रेनिंग एंड पोस्ट ट्रेनिंग का बात करेंगे, प्री ट्रेनिंग टेस्ट मतलब होता है आपका बीएड एग्जामिनेशन। बीएड एग्जामिनेशन से पहले टीचिंग एप्टीट्यूड जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके बाद पोस्ट ट्रेनिंग में आपका बहुत सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके अंदर आता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको हर एक क्लास में भी बोलता हूँ याद रखना कि जो मैं आपको यहाँ पे 2-3 महीने में या 4 साल आपको जो 4 महीने में जो मैं समझाता हूँ या 1 साल के अंदर समझाता हूँ वो आप पूरा 4 साल तक समझोगे। ठीक है, वही सेम चीज बस बहुत इन डेप्थ मैनर में जाके जो मैं आपको एक समरी के हिसाब से बता रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, वही सेम चीज आप जो है 4 साल का कोर्स में भी वहां पे जाके पढ़ोगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्री ट्रेनिंग टेस्ट मतलब प्री RIC एग्जाम एंड पोस्ट RIC एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका डेवलप होता है। ठीक है, सो इफ कोरिलेशन बिटवीन प्री ट्रेनिंग टेस्ट एंड पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट बीएड एग्जाम इज सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव, इट विल बी कंसीडर्ड दैट पीपल टीचर हैड द एबिलिटी टू लर्न टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया है, मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल, इसका कहने का मतलब ये है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप 30 questions में से 20 करेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इसको मान के चलो कि आप जो है आउट ऑफ 10 आपने 5 points, फॉर एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, आप 5.5 जो है ग्रेड पॉइंट के हिसाब से मान के चलो आपने इतना आपके अंदर काबिलियत है, आपको कोई रेट करता है तो आपको 5 out of 10 रेटिंग आपको देता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रेनिंग होता है, ठीक है, ट्रेनिंग होता है, बीएड पूरा कंप्लीट करते हो, इंटीग्रेटेड हो या 2-year BEd हो, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अगर ये चीज 5 out of 10, जब नेक्स्ट आपको 4 साल के बाद या 2 साल के बाद कोई आपको रेट करता है तो आपको बोलेगा अभी आपका जो परफॉर्मेंस है आपको 8 out of 10 है या 9 out of 10 है या 10 out of 10 है, तब बोला जाएगा कि आपका सिग्निफिकेंट पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है। तो मैं पर्सनल लेवल पे अगर आपको बोलूं तो जितना इंटरेस्ट मुझे पहले था, मैं तो नीट का प्रिपरेशन कर रहा था, मैं बता रहा हूं आपको अपना फैक्ट, मैं तो नीट का तैयारी कर रहा था, मैं तो कुछ पढ़ा नहीं था, मैं थोड़ा थोड़ा जो मतलब 1-2 दिन में जो मैंने कोई किताब लेके आया किसी से, ठीक है, उधार से लेके आया, भाई मुझे 2 दिन के लिए किताब दे दे मैं पढ़ लूंगा, स्टेट बीएड का कोई किताब, तो थोड़ा सा मैंने 1-2 पेज कुछ पढ़ लिया था, उसमें मैंने एग्जाम दिया, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत खराब आया, बाकी सब चीज सही था। लेकिन अब मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, RIC के एग्जाम में मेरा सबसे खराब टीचिंग एप्टीट्यूड था, लेकिन अभी मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ये ट्रेनिंग के वजह से, RI में बीएड करने के वजह से ये डेवलप हुआ है। तो यही आपको यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, अगर आपके अंदर सफिशियंट ग्रोथ हुआ है तभी आप एक इफेक्टिव टीचर हो, या इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। ठीक है, सो the pupil teacher had the ability to learn teacher training program, तो अगर आपका इस तरह से development होगा तभी बोला जाएगा कि आपके अंदर ability है कि आप जो है एक अच्छा teacher बन सकते हो। ठीक है, and इसके लिए एक और test होता है, ability test के लिए एक और test होता है जिसको बोला जाता है CTET। ठीक है, CTET यहाँ पे eligibility है आपका, आप RI तो या फिर कोई भी कहीं से तो आप B.Ed कर लेते हो, लेकिन एक दोबारा टेस्ट होता है आपका, दोबारा अग्नि परीक्षा, मतलब पहला क्या था आपका टेस्ट, क्या था फर्स्ट टेस्ट में आपका, यह था कि आप मतलब इस एग्जाम के लिए आपके दिमाग में टीचिंग इंस्टिंक्ट है कि नहीं, मतलब आप टीचर बनने के लिए तैयार हो कि नहीं, एक्चुअल में यू आर लाइक ए टीचर मटेरियल और नॉट। तो आप अगर टीचर मटेरियल हो, टीचर बनने लाइक मटेरियल, यस 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 यस,
तो आपके अंदर टीचिंग इंटरेस्ट है कि नहीं, वो पहले आपने आपसे टेस्ट किया कर लिया। अब नेक्स्ट आपको ट्रेनिंग के थ्रू आपको बताएंगे कि क्या क्या एबिलिटीज क्या क्या आपके अंदर होना चाहिए, और वो आपको टेस्ट किया जाएगा किसके थ्रू, सीटेट या आपका स्टेट टेट के थ्रू। सीटेट या स्टेट टेट के थ्रू आपका ये ट्रेनिंग आपने सही से लिया है कि नहीं वो टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप पूरी तरह से रेडी हो कि नहीं हो, इसको आपको टेस्ट किया जाएगा जब आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। जैसे अभिजीत सर आपको बोले थे कि इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करता है, ठीक है, इंटरव्यू आपका बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ तो आपका इंटरव्यू नहीं हुआ, आरआईसी के एग्जाम में सीटेट में तो आपका इंटरव्यू नहीं हुआ, कहाँ इंटरव्यू होगा आपका, केवीएस या एनवीएस में जब जाते हो तो आपका इंटरव्यू डायरेक्टली वो आपसे बातचीत करके देख लेंगे कि आप एक सही कैंडिडेट हो कि नहीं। एंड मैं एक फैक्ट बताता हूँ आपको, लास्ट इंटरेक्शन ओरिएंटेशन में मैंने आपको बताया था, बेनिफिट ये होता है आरआई या कोई बेस्ट जगह से बीएड करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स मिलता ही है, क्योंकि आप एक अच्छी जगह से पढ़ गया तो एक अच्छा इंप्रेशन रहता है पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि वो वही चीज पूछते हैं जो आपको आरआई के अंदर या एनसीईआरटी जो चीज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो भी टीचर एनसीईआरटी के बुक ही फॉलो करते हैं, ठीक है। जो केवीएस या एनवीएस जहां पे आप लोग टीचर बनने के लिए जाओगे वो सारे टीचर एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करते हैं, यही उनके लिए बाइबल है, इसी को ही वो पढ़ाते हैं हर दिन, ठीक है। और आप भी टीचर कहां से हो, आप भी एनसीईआरटी के कॉलेज से ही टीचर हो, तो एक ट्रस्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है कि आरआई का कोई लड़का है या कोई लड़की है तो वो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा कैंडिडेट है, तो इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर मिल जाता है ऐसे ही, मतलब आपका एक अच्छा इंप्रेशन की वजह से मिल जाता है। पर उसके बाद आपके अंदर सही में वो स्किल होता है, ठीक है, आपके अंदर वो एंसरिंग एबिलिटी वगैरह होता है, क्योंकि आप सिर्फ 55 सीट में ऑल इंडिया लेवल के एक टेस्ट में जहाँ पे एक रीजन में सिर्फ 55 सीट है उसमें एक कैंडिडेट हो, ठीक है, हमारे टाइम में तो 50 था, अभी 5 एक्स्ट्रा हुआ है, तो इतना मतलब कम, 5 भी कितना ज़्यादा है आप सोचो, बहुत कम है, 50 में 5 इंक्रीज कर दिया वो भी EWS की वजह से, तो इतना कम सीट में एक सीट ला पाते हो, मतलब यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इसीलिए इंटरव्यू में बहुत अच्छा मार्क्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये बेनिफिट है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट फील है कि सर इतना सारा टेस्ट देना पड़ेगा हमको, ऐसा नहीं सोचना है, आगे ये सब इजी हो जाता है, ठीक है। जब आप यहाँ से यहाँ जाते हो, मतलब आप नॉर्मली अपने स्कूल से या फिर अपने कॉलेज से आप एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में टीचर एजुकेशनल टीचर क्या बोलते हैं उसको, इंस्टीट्यूट फॉर टीचर ट्रेनिंग जो भी होता है, या फिर आरआई में आप जैसे जाते हो, ठीक है, जैसे आप जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये सारे एबिलिटी आ ही जाते हैं, बाकी बहुत इजी हो जाता है उसके बाद। ये बस डिफिकल्ट है, ये बहुत डिफिकल्ट है कि यहाँ से स्कूल से या कॉलेज से आ रही जाना, उसके बाद बहुत इजी है बाकी सारा चीज, क्योंकि आपके साथ एक अच्छा गाइडेंस रहेगा। बोलते हैं अगर दिल्ली जाओगे जेएनयू डीयू में पढ़ोगे तो आईएएस बनने का चांस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे माहौल ही ऐसा है। तो सिमिलरली आप आ रही जाओगे तो आपको टीचर बनने के लिए एक बहुत अच्छा माहौल मिलता है, क्योंकि वो सारे बच्चे जितने भी आपके सामने होंगे वो सिर्फ टीचर के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है आपका। तो और क्या चीज है आपका, इफ देयर इज लो लेवल ऑफ कोरिलेशन बिटवीन दिस टू टेस्ट, अगर कोरिलेशन बहुत लो लेवल का है तो इसका 3 मीनिंग हो सकता है। देखो पहला मीनिंग, इफ स्टूडेंट स्कोर गुड मार्क्स इन एप्टीट्यूड टेस्ट, प्री ट्रेनिंग टेस्ट में अच्छा मार्क्स मिलता है, लेकिन बीएड एग्जामिनेशन में आप फेल हो जाते हो, ठीक है, इट वुड मीन दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रॉपरली एसेस्ड बाय द टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका प्रॉपर असेसमेंट नहीं हुआ है, तो द टेस्ट कुड नॉट द मेजर द रियल एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आपका रियल एप्टीट्यूड को टेस्ट नहीं कर पाया वो टेस्ट, ऐसा बोला जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट में आप जो है अच्छा नहीं हो, और वो टेस्ट भी जो है वो रियल मेजर नहीं है आपके लिए। अगर आप लो मार्क्स लाते हो टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट में, इवन देन दे वर गिवन एडमिशन इन टीचर ट्रेनिंग कोर्स, इट इज मोस्ट लाइकली दैट द स्टूडेंट्स फेल इन ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आप कम मार्क लाके भी आपको एडमिशन दे दिया जाता है तो फिर तो आप जो है फेल हो जाओगे, मतलब आप अगर कम मार्क लाते हो टीचिंग एप्टीट्यूड में और आपको टीचिंग जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज आरआई में आपका एडमिशन होता है तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इसका वेस्टेज किसका होगा, गवर्नमेंट का वेस्टेज होगा, बिकॉज इससे बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। एक जो आरआई के टीचर होते हैं उनका सैलरी 2.5-3 लाख रुपए होता है, तो जितने सारे टीचर है उन सबका सैलरी 2.5-3 लाख रुपए है, एक महीने का सैलरी एक टीचर का स्टार्टिंग तो लगभग 1.5 लाख का डेफिनेटली होता है, तो वो ऊपर जाके वो 2.5-3 लाख का सैलरी उनके पास मिलता है, ठीक है। तो इतना सैलरी हर एक टीचर को मिल रहा है और एक स्टूडेंट्स के पीछे आरआई मतलब जो गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी लॉस है, आपका भी लॉस है, आपने जो एक लाख या 2 लाख रुपए आपने खर्चा किया अपने तरफ से वो भी लॉस है, ठीक है। तो इसीलिए आप जब देखोगे आरआई का एग्जाम जब होता है ना,
टाई होता है, जब जब भी टाई होता है, ठीक है, जब भी दो कैंडिडेट के बीच में टाई होता है, किसका मार्क्स देखते हैं पता है आपको? जानते हो, मैंने बताया था वीडियो में, यूट्यूब अगर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर आपका टाई होता है कहीं पे भी, कोई भी एग्जाम आप देते हो वहां पे टाई होता है, टीचिंग का एग्जाम आ रही हो या कोई भी हो, तो वहां पे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का मार्क्स ही देखा जाता है इसी चीज की वजह से, ठीक है। क्योंकि अगर आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड में मतलब अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो, एबल नहीं हो आप, तो टीचर नहीं बन सकते अच्छे से। एंड इफ स्टूडेंट स्कोर लो मार्क्स इन टीचिंग एप्टीट्यूड इवन दे स्कोर गुड मार्क्स इन द अचीवमेंट टेस्ट ऑफ बीएड, इट वुड ऑल्सो मीन दैट द स्टूडेंट्स वर रॉन्गली असेस्ड इन देयर टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, द टेस्ट रॉन्गली सैंपल्ड इन द बिहेवियर ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, सो इट इज फर्स्ट रिक्वायर्ड टू नो व्हाट ए टीचर डज इन द क्लास एंड स्कूल कैंपस। तो अगर क्या होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत खराब मार्क्स हैं, ठीक है, और आप जो है वहां पे जाके थोड़ा अच्छा मार्क्स लाते हो, तो वो भी मतलब एक रॉन्ग मेजर हो सकता है, ठीक है, एक रॉन्ग मेजर आपका हो सकता है। एंड वो कैसे टेस्ट करेंगे, आप तो अब एडमिशन तो हो गया आपका, टेस्ट कैसे करेंगे, तो वो टेस्ट आपका होता है इंटर्नशिप में, ठीक है, वो आपका क्लासरूम टेस्ट होता है इंटर्नशिप, यहाँ पे आपको कर दिया जाएगा फेल, ठीक है, यहाँ पे आपको कर दिया जाएगा फेल इंटर्नशिप में, क्लासरूम टीचिंग में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अच्छे से पढ़े नहीं थे, ऐसे पास हो गए आगे और थोड़ा थोड़ा अच्छा मार्क्स ला रहे हो, लेकिन वो तो बता रहे कि आप अच्छे से नहीं पढ़ते स्टार्टिंग में, तो आपका इंटर्नशिप होगा और यहाँ पे आप फेल हो जाओगे। तो आरआई का खासियत ये होता है कि आरआई में फेल कोई नहीं होता, बहुत रेयर, एक मतलब मैंने देखा है जब तक एक बच्चे कभी कभी फेल हो जाते हैं, बहुत रेयरली, ठीक है, 50 या 100 में से, ठीक है, 110 सीट है फॉर एग्जाम्पल बीएससी बीएड के केस में, तो उसमें एक स्टूडेंट फेल हुआ, बीएबीएड के केस में बहुत रेयरली कोई फेल होता है, बहुत रेयरली कोई फेल होता है, एक मैक्सिमम मैंने देखा है किसी बैच में एक या दो मैक्सिमम। यस नहीं, देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, एक फनी चीज है। तो ऐसा क्या होता है कि आपको मैंने बता दिया कि चार साल के कंप्लीट होने से पहले या 2 साल के कंप्लीट होने से पहले आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है, मैंने बताया था ना आपको, एक दोस्त है मेरा, ठीक है, उसका अभी भी शायद क्लियर नहीं हुआ, देखो मौका मिलता है दो साल तक मौका मिलता है। अगर आप कोई फेल हो जाता है, कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट किसी भी सेमेस्टर में फेल है, तो उसको 2 चांसेस मिलते हैं, 2 ईयर्स, ठीक है, 2 चांसेस आपको मिलते, 2 साल और एग्जाम दे सकते हो, लेकिन कभी कभी इसको और एक्सटेंड करते हैं, आरआई एक ऑटोनोमस है तो आपको अटेंडेंस करते हैं। तो देखो ये क्या होता है कि ये प्लेसमेंट नहीं रुकता है, ठीक है, प्लेसमेंट रुक जाता है ऐसा नहीं है, 3 Idiots मूवी आपने देखा है ना, तो वहां पे बोलता है अगर ये पास नहीं करेंगे तो इनके साथ क्या होगा, 3 Idiots मूवी का एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, 3 Idiots मूवी में बोलता है कि अगर ये लोग फाइनल एग्जाम में पास नहीं करते तो क्या होगा, इनका प्लेसमेंट रुक जाएगा, नहीं मिलता है। लेकिन आरआई में क्या होता है, अगर आप प्लेसमेंट पहले से आपका हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे प्लेसमेंट में जो जॉब आपको मिल गया है, बहुत ज्यादा चांस होता है कि वो इन चीज की वजह से, क्योंकि आरआई आपको 2 चांस और देता है, हर एक कॉलेज आपको देता है 2 साल के अंदर आप जो क्लियर कर सकते हो, अगर कहीं पे बैक लगा हुआ है तो इनको पता है कि 2 चांस तो इसके पास है, ये पास कर लेगा, तो प्लेसमेंट आपका नहीं रुकता है, आपका यहाँ पे आपके साथ रहता है, और वो आप टीचर एज ए टीचर आप जो है अपना सैलरी भी विड्रॉ कर सकते हो, मतलब आप काम कर सकते हो एज ए टीचर, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल या प्लेसमेंट वाला सब कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, ठीक है, प्लेसमेंट वाला जो है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, आपके ऊपर आप कितना साल करते हो, 1 साल करो, 2 साल करो, 5 साल करो, या जिंदगी भर करो, ठीक है, जिंदगी भर करो, ये कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल 1-2 साल के बाद ये रेगुलर हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल कहाँ पे होता है, ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट आपका होता है वो प्राइवेट स्कूल्स में होता है, केवी जेएनवी में तो आप ज्यादा नहीं कर सकते, जब तक वैकेंसी है तब तक करोगे, जो मैंने उस दिन दिखाया था केवी का एक ऑफर लेटर आया था, ठीक है, या कोई जेएनवी से अगर आपको ऑफर मिलता है तो यहाँ पे 1 या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है, 1 या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, इसके बीच में आप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के भी, ऐसा कोई बहुत ज्यादा मतलब रिजिड बॉन्ड नहीं होता, आप जब चाहो छोड़ सकते हो, आप जब चाहो इसको छोड़ के रेगुलर जॉब या कहीं और जॉब ज्वाइन कर सकते हो, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, केवी जेएनवी में 1-2 साल में टीचर्स रिक्रूटमेंट हो जाता है, ठीक है, और वो टीचर आ जाते हैं, केवी में तो इस बार थोड़ा लेट हुआ था, तो इसमें आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है, तो यहाँ पे जब वो रेगुलर टीचर आ जाएंगे तो आपका टर्म्स चला जाता है, फिर आपको वहां पे नहीं मिलेगा, लेकिन आरआई के स्टूडेंट्स तब तक आपको जॉब मिल जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कोई करता है, मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई पूरा कॉन्ट्रेक्चुअल में रह गया आरआई से,
कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मान के चलो कोई ऐसा करता है कॉन्ट्रेक्चुअल, तो एक या दो साल के बाद वो ऑटोमेटिकली परमानेंट कर देते हैं। जो सैलरी स्टार्टिंग में आपको लगभग 30 मिल रहा था, 30 या 36 मिल रहा था, फॉर एग्जाम्पल 35-36 कुछ मिलता है, ठीक है, इस तरह से 30-35 जो आपको मिल रहा था वो ऑटोमेटिकली बढ़ के 45 तक हो जाता है, 45-50 तक आपका सैलरी हो जाता है जब आप यहाँ पे इवन प्राइवेट स्कूल में भी जब आप रेगुलर हो जाते हो तो वहाँ पे भी आपका सैलरी बढ़ जाता है। लेकिन याद रखना ये हमेशा गवर्नमेंट स्कूल के सैलरी से कम ही होगा, 10-20 हजार कम हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना है, यहाँ पे मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। जो प्लेसमेंट के थ्रू आपको प्राइवेट स्कूल मिला है एक दो साल तक वो ठीक है, ज्यादा रहा होगा तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट सब प्रीफर करते हैं, गवर्नमेंट में बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलता है। एंड आरआई के स्टूडेंट्स को ये डेफिनेटली मतलब चांस बहुत ज्यादा होता है, जैसे मैंने बोला इंटरव्यू वगैरह में आपको चांस मिल जाता है तो आप डेफिनेटली सिलेक्टेड हो जाओगे, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे यही चीज है, एक बेनिफिट है आरआई, कहीं और ऐसा बेनिफिट नहीं है। इसको भी आप लोग बोल सकते हो अनफेयर एडवांटेज, लेकिन एक्चुअली अनफेयर एडवांटेज मैं नहीं बोलता हूँ। आप इतने बड़े लेवल पे आप कंपटीशन जो हो रहा है, मतलब एक सीट के लिए 5 सीट के लिए जो हो रहा है उसमें गए हो तो डेफिनेटली आपके अंदर टैलेंट है, ये दूसरा मानता है, ठीक है। भले ही हम थ्योरी में कुछ भी पढ़ें लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा वो मानते हैं। तो प्लेसमेंट वाला अगर आपको कोई मिला है और वो ऑब्जेक्शन नहीं करता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्शन करता है तो आपका प्लेसमेंट रुक सकता है, लेकिन वो ऑब्जेक्शन नहीं करता है, जो कि रियली कोई ऐसा करता है, मैंने देखा है एक दो जो दो तीन आई थिंक तीन मेरे सीनियर्स थे, ठीक है, एक बैच से दो मेरे ही एक बैच से एक था, और टोटल मैंने 5 लोगों को देखा है, ठीक है, अलग अलग मैंने 5 लोगों को देखा है, वो बहुत बड़े बड़े स्कूल में जॉब कर रहे थे, ठीक है, इवन फेल्ड इन वन सेमिस्टर, वो 5 मतलब जो मेरे सीनियर्स या मतलब बैचमेट थे वो प्लेसमेंट वाला जॉब कर रहे थे, क्योंकि और कहीं तो उनको जॉब मिलेगा नहीं, और कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ आपको आरआई का प्लेसमेंट ही बचाएगा, ठीक है। अगर कोई फेल हो जाता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ आरआई का प्लेसमेंट बचाएगा, नहीं तो कोई और नहीं बचा सकता। आप खुद वॉकिंग इंटरव्यू में जाओगे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो फाइनल मार्कशीट देखेंगे। प्लेसमेंट क्यों बचाएगा आपको, क्योंकि प्लेसमेंट तो आपका एग्जाम से पहले हो जाता है, तो वो तो आपका मार्कशीट देख के आपको जॉब नहीं देते। आरआई में खुद आके वो आरआई के अंदर आके कैंपस प्लेसमेंट होता है। कैंपस प्लेसमेंट का मतलब होता है वो खुद अपने स्कूल से, ठीक है, टिकट करा के आपके पास आएंगे आरआई में, और आरआई के क्लासरूम में बैठ के अलग अलग जगह पे बैठ के आपका इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो वो खुद आए थे, आपका सर्टिफिकेट देख के वो नहीं ले रहे हैं, आपको आरआई के हो इसलिए वो आपको ले रहे हैं। इसलिए प्लेसमेंट ही बचाता है जब भी कोई बच्चा, कोई भी आरआई का जो स्टूडेंट फेल हो जाता है, लेकिन वो पास कर जाता है, दो चांसेस मिलते हैं उसको, पास कर जाता है, ये चांसेस भी एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। तो बहुत रियली है जो मैंने देखा था, लेकिन वो 5 स्टूडेंट्स उनको फिर भी जॉब मिला, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट है आरआई का, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये था वन आवर डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, इसके बाद हम लोग देखेंगे वन आवर डेफिनेशन ऑफ टीचिंग क्या होता है, कि टीचर टीचिंग में कौन कौन 3 लोग आते हैं। तो वन आवर डेफिनेशन ऑफ टीचिंग है, टीचिंग इज जस्ट टू ट्रेन द स्टूडेंट सच दैट दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फुट, ये आपका वन आवर डेफिनेशन ऑफ टीचिंग होता है। एंड टीचिंग में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, मेन 3 लोग हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड तीसरा क्या होता है आपका एजुकेशन, 3 जो है पिलर है एजुकेशन में, ठीक है, 3 पिलर होता है टीचिंग के फील्ड में, एक होता है आपका टीचर, दूसरा होता है आपका स्टूडेंट, तीसरा होता है जो एजुकेशन जो आपको इनको देना है, टीचर जो स्टूडेंट्स को दे रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं एजुकेशन, ठीक है। ये आपका वन आवर डेफिनेशन ऑफ टीचिंग एंड मेन एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। उसके बाद देखो टीचर और लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग के बीच में क्या डिफरेंस है, टीचिंग और लर्निंग के बीच में क्या डिफरेंस है, देखो द इम्प्रूवमेंट एंड डिजायरेबल चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर थ्रू एक्सपीरियंस एंड रेस्पॉन्स इज लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, सीखना, ठीक है, सीखना, कैसे सीखते हो, मतलब कोई कुछ, मतलब आपके अंदर कुछ कमी है जिसका इम्प्रूवमेंट से आप सीखते हो, गलती करके कुछ सीखते हो, अपने गलती से आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, सीखते हो, तो आपके अंदर कुछ डिजायरेबल चेंज होता है, ठीक है। आप कोई जो मतलब फॉर एग्जाम्पल अपने मम्मी पापा हमसे जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट या डिजायरेबल चेंजेस होता है, तब हम क्या करते हैं, सीखते हैं। सो इम्प्रूवमेंट एंड डिजायरेबल चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर, अपने बिहेवियर में जब बदलाव आता है सीखने की वजह से होता है, उसको लर्निंग कहते हैं। सो विच मीन्स दैट लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग की वजह से आपको किसी ने सिखाया, ठीक है, तभी आप जो है सीखे, टीचर ने आपको सिखाया तभी आप सीखे, टीचर आप क्या होते हो, लर्नर होते हो क्योंकि आप सीखते हो, तो टीचिंग का रिजल्ट होता है लर्निंग, ठीक है, ओके। सो द टास्क ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन बोथ इज टू इन्फ्लुएंस लर्निंग, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन
मम्मी पापा आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, टीचर आपको पढ़ाएंगे फॉर एग्जाम्पल, दोनों का रिजल्ट होता है लर्निंग, दोनों से इन्फ्लुएंस क्या होता है, लर्नर इन्फ्लुएंस होता है और सीखता है। सो इट मीन्स लर्निंग लाइज इन टीचिंग, लर्निंग तभी होगा जब टीचिंग है, ठीक है। हाउएवर लर्निंग इज नॉट नेसेसरी नीड्स टीचिंग और इंस्ट्रक्शन, लेकिन सीखने के लिए हमेशा टीचिंग और इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, इट इज पॉसिबल बाय मैच्योरेशन ऑल्सो, हम कभी कभी खुद से सीखते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, हम खुद से सीख जाते हैं एंड कभी कभी अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो बहुत गरीब होते हैं उनको तो पढ़ने के लिए भी मौका नहीं मिलता है कहीं से, फिर भी वो सीखते हैं कैसे, अपना मैच्योरेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। एकलव्य जो अगर आप जानते होंगे, ठीक है, अंतर्जामी बोल रहे हो, प्री ट्रेनिंग टेस्ट क्या होता है, प्री ट्रेनिंग टेस्ट मतलब होता है आपका जैसे आर आई सी एग्जाम आपका है प्री ट्रेनिंग टेस्ट, ठीक है, प्री ट्रेनिंग टेस्ट मतलब आपका ट्रेनिंग होने से पहले जो टेस्ट है उसको बोलते हैं प्री ट्रेनिंग टेस्ट। तो आर आई सी का एग्जाम आपके लिए प्री ट्रेनिंग टेस्ट है और पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट क्या होगा, बी एड का फाइनल एग्जाम, ठीक है, या फिर आपका बी ए बी एड या बी एस सी बीड का फाइनल एग्जाम, ठीक है, क्लियर, ओके। तो हम बोल रहे थे कि कोई कोई मैच्योरेशन और लर्निंग से भी सीख जाते हैं, मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस से सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। तो लर्निंग क्या होता है, लर्निंग मीन्स एक्टिविटी और एक्सपीरियंस, कोई एक्टिविटी करते हो उससे सीखते हो या कोई एक्सपीरियंस करते हो उससे सीखते हो। टीचिंग क्या होता है, टीचिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, टीचिंग उन्हीं एक्टिविटी के ऊपर होता है, जो कोई काम हो रहा है टीचर उसको एक्सप्लेन करते हैं एंड उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको कुछ समझाते हैं। सो दस टीचिंग कैन ब्रिंग आउट लर्निंग, टीचिंग से ही लर्निंग आएगा, विच इज नथिंग बट डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंजेस, डिजायरेबल चेंजेस हो सकता है या अनडिजायरेबल चेंजेस को अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है, बिहेवियरल चेंजेस टीचिंग से होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड एजुकेशन, टीचिंग क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, टीचिंग और एजुकेशन के बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे, टीचिंग क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला टीचर एजुकेशन देते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो टीचिंग एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा था कि स्टूडेंट्स का सोसाइटी के अकॉर्डिंग डेवलप कराना होता है, सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, इसीलिए हम इसको बोलते हैं। तो जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो सोसाइटी सेंटर्ड होता है, ठीक है, सोशल प्रोसेस है, लेकिन टीचिंग इज सब प्रोसेस है और प्रोसीजर विच फर्दर प्रोसेस द एजुकेशन, एजुकेशन से सोसाइटी के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाएंगे, सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम इसीलिए बोलते हैं, लेकिन टीचर सिर्फ सोसाइटी को ध्यान में नहीं रखता है, टीचर स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखता है। तो इसीलिए इसी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए बच्चों को डेवलप करना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी या स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, यही टीचर का काम होता है, ठीक है। सोसाइटी को भी ध्यान में रखते हैं, स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखते हैं, तो इसलिए टीचिंग जो है एक सब प्रोसेस है, ठीक है। टीचिंग क्या होता है, एक सब प्रोसेस होता है, एक सब प्रोसेस होता है टीचिंग, ठीक है, मतलब एक प्रोसेस के अंडर आता है ये, जो आपका सोसाइटी सेंटर एजुकेशन बहुत बड़ा चीज है, एजुकेशन क्या है, बहुत बड़ा चीज है, इसके अंदर आता है आपका टीचिंग। एजुकेशन में पूरा सोशली बच्चों को क्या करना है, डेवलप कराना है, उसके अंदर आपका आता है टीचिंग। टीचिंग में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को ही गाइड करते हैं, ठीक है, क्लियर। एजुकेट सब हो सकते हैं, एजुकेट कोई भी हो सकता है सोसाइटी के अंदर जो भी है, लेकिन टीचिंग में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। एजुकेट तुम खुद से भी हो सकते हो, लेकिन टीचिंग में तुमको कोई पढ़ा रहा है, ये डिफरेंस है, ठीक है। एजुकेशन कोई भी कर सकता है, टीचिंग स्कूल में होता है, फॉर एग्जाम्पल। यस बोलो, यस यस यस, लर्निंग। तो मैं अगर इसको एक वेन डायग्राम में बताऊं, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, एक मिनट स्पेस कहीं पे देखो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा एजुकेशन है, ठीक है। एजुकेट कोई भी हो सकता है, एजुकेट कोई भी हो सकता है, लेकिन पढ़ते कहाँ पे हैं, पढ़ते हैं स्कूल में, टीचिंग। टीचिंग हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, एजुकेट तो मम्मी पापा कोई भी हो सकता है, लेकिन स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो सीखते हैं, लर्निंग। तो ये वेन डायग्राम बना सकते हो, एजुकेशन सबसे ऊपर है, एक प्रोसेस है, टीचिंग इसका सब प्रोसेस है, टीचिंग क्या है, इसका सब प्रोसेस है, और लर्निंग इसका रिजल्ट है, लर्निंग क्या है, इसका रिजल्ट है, ठीक है। इस तरह से आप वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, क्लियर, ओके। तो टीचिंग, हाँ, तो एजुकेशन क्या होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग। टीचिंग आप बच्चे फॉर एग्जाम्पल कब तक सीखेंगे, टीचर एक बच्चे को कब तक पढ़ाएंगे, मान के चलो 1 से लेकर 12 क्लास तक आप जो है किसी बच्चे को पढ़ाते हो, तब उसके बाद तो वो बाहर चला जाएगा, लर्निंग तो यहाँ तक है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन एजुकेशन तो उसको जिंदगी भर करना है, लाइफ लॉन्ग होता है, ठीक है। जिंदगी भर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं,
ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अभी मम्मी पापा भी कुछ ना कुछ सीखते हैं ना, एजुकेशन है वो हो गया, वो एजुकेशन, लेकिन लर्निंग टीचिंग तो उनको कोई नहीं करता, अपने आप से सीखते हैं मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस से। तो एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन टीचिंग क्या होता है, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में, लाइक फॉर एग्जांपल एक से लेकर 12 क्लास तक के बच्चे हैं या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, इनको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट जिसको हम लोग कहते हैं क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर इनको पढ़ाया जाता है। एजुकेशन आप कहीं से भी सीख सकते हो, लाइक आप नेचर से सीख सकते हो, आप किसी किसी क्रिएचर से सीख सकते हो, आप हाथी से सीख सकते हो, आप चींटी से सीख सकते हो, किसी से भी सीख सकते हो, अपने दोस्त से भी सीख सकते हो, लेकिन टीचिंग जो होता है एक कंट्रोल एनवायरनमेंट क्लासरूम के अंदर आपका होता है, एक क्लासरूम के अंदर आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट में आपका होता है, ठीक है, क्लियर। तो टीचिंग क्या करता है, एजुकेशन देखो आप खुद से अपने मेजोरिटी एंड एक्सपीरियंस सीख रहे हो, लेकिन टीचिंग क्या करता है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी को लाता है, जगाता है, जो हम लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं, टीचर लर्निंग को जो फैसिलिटेट बच्चों को पढ़ने के लिए जब फैसिलिटेट करते हैं तो और ज्यादा वो क्यूरियस लर्नर बनते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी डेवलपमेंट होता है, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी उनके अंदर डेवलप होते हैं, ठीक है, जब हम उनके साथ एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं तब उनके अंदर क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी डेवलप होता है, क्लियर। एंड द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कैन गो इवन अनकॉन्शियसली, हम सीख कहीं से भी सकते हैं, विदाउट गोइंग टू क्लासरूम ऑल्सो हम सीख सकते हैं, ठीक है, ये कहीं से भी हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन टीचिंग एक फॉर्मल प्रोसेस है जो डिलीवरेड मैनर में होता है, ठीक है, टीचिंग एक फॉर्मल प्रोसेस है जो डिलीवरेड मैनर में होता है, एंड इट इज प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑल्सो, आपके सामने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, आपके सामने ये दिया गया है कि आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, तो टीचिंग में प्री जो है डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है। एजुकेशन कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, एजुकेशन फॉर्मल भी हो सकता है एंड इनफॉर्मल, बट टीचिंग हैज टीचिंग विल ऑलवेज बी फॉर्मल, टीचिंग क्या होगा ऑलवेज फॉर्मल होगा, ठीक है, टीचिंग ऑलवेज फॉर्मल होगा, याद रखना टीचिंग जो है ऑलवेज फॉर्मल होगा, एजुकेशन इनफॉर्मल हो सकता है, तो एक जगह पे कहीं पे एक जगह पे टीचिंग इनफॉर्मल लिखा है उसको आप एजुकेशन कर देना, यहाँ पे कहीं पे एक मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे टीचिंग इज फॉर्मल और इनफॉर्मल जो लिखा है वो जब भी यहाँ पे फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल हम बोल रहे हैं वो एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे भी हम लोग बोल रहे हैं टीचिंग इज फॉर्मल और इनफॉर्मल वहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं, ठीक है। अगर देखो नॉर्मल में टीचिंग बोल रहा हूँ तो उसमें एजुकेशन आ जाता है, लेकिन जब एजुकेशन और टीचिंग को दोनों को अलग अलग करेंगे तो टीचिंग हो जाएगा फॉर्मल, एजुकेशन दोनों हो जाएगा, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल सिर्फ टीचिंग को ही मैं बोलूंगा तो वहां पे मैं इनफॉर्मल भी बोल सकता हूँ, कोई भी वहां पे इनफॉर्मल बोल सकता है, पता है क्यों, क्योंकि स्कूल में तो आप पढ़ रहे हो, कोई आपका दोस्त आपको कुछ पढ़ा देता है तो वो तो फॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो तो स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, आपको कोई दोस्त पढ़ा रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं भी तो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, टीचर हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो फॉर्मल तो नहीं है, वो इनफॉर्मल है, क्योंकि इसमें तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये कोचिंग है, ठीक है, इनफॉर्मल बोल सकते हो आपको या नॉन फॉर्मल बोल सकते हो, नॉन फॉर्मल ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, इनफॉर्मल क्या होता है कहीं से कुछ भी हम सीख जाते हैं, कोई कुछ गलत भी बोला तो हम सीख जाते हैं, वो इनफॉर्मल है, यस यस। तो आउटसाइड आप कुछ भी सीखते हो लाइक पीयर अपने दोस्तों से या मार्केट से कहीं से भी कुछ भी सीख जाते हो जिसमें आप इन्फ्लुएंस्ड होते हो वो आपका इनफॉर्मल है। नॉन फॉर्मल क्या होता है आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, नॉन फॉर्मल होता है आपका मम्मी पापा या टीचर, ट्यूशन टीचर, मम्मी पापा या ट्यूशन टीचर जो होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं अच्छे ऑब्जेक्टिव को, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव अपने दिमाग में रखते हुए, लेकिन स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको ये दोनों है, फॉर्मल भी है इनफॉर्मल भी है, तो इसलिए इसको कोई एक नहीं बोलते, इसको नॉन फॉर्मल बोल देते हैं। यस बोलो, हाँ इनफॉर्मल, हाँ मतलब वही चीज है, मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम एक देखो यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल अगर सिर्फ दो ही टर्म्स आप पढ़ रहे हो तो वहां पे जैसे मैं एजुकेशन और टीचिंग को आप कंपेयर करोगे तो वहां पे आप एजुकेशन को क्या बोलोगे, वहां पे आप एजुकेशन को बोलोगे फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों, टीचिंग को बोलोगे फॉर्मल जब एजुकेशन और टीचिंग को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, वैसे ही जब आप फॉर्मल और इनफॉर्मल को ही कंपेयर कर रहे हो तो फॉर्मल में आपका स्कूल का आ जाएगा, इनफॉर्मल में आपका मदर फादर एंड टीचर आ जाएंगे, ट्यूशन टीचर आ जाएंगे या कोई एल्डर्स आ जाएंगे, लेकिन अगर आप तीसरा कोई टर्म्स को ऐड करते हो तो वो चीज नॉन फॉर्मल हो जाता है, ठीक है, जब सिर्फ फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़ रहे हो तो आपके मम्मी पापा या मैं भी आपका इनफॉर्मल टीचर हो जाऊंगा, इनफॉर्मल हो जाएगा इनफॉर्मल टीचिंग, ठीक है, लेकिन एक तीसरा टर्म भी है, तीसरा टर्म यहाँ पे तब तक आप नहीं पढ़े थे मेटेरियल में, तो मेटेरियल में जैसे आप आगे आगे जाओगे लास्ट में यहाँ पे है, ठीक है, आगे जब आप यहाँ पे जाओगे मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ,
नॉन फॉर्मल बाद में हम लोग इसको, मतलब जब आप आगे पढ़ोगे एक और टर्म इंक्लूड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, जब तक आप मैथ्स पढ़ रहे हो या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको पहले कुछ कुछ चीज, लाइक फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको बोला जाएगा यहाँ पे क्या होता है, एटम जो होता है वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, आपको बेसिक लेवल क्लास में पढ़ाया जाएगा एटम स्मॉलेस्ट है। लेकिन जब आप हाईर लेवल पे जाओगे बोलेंगे एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल भी है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है, इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल भी है, ऐसे बोलेंगे। तो जब तक आप कोई चीज पढ़ रहे हो तब तक उस लेवल तक पढ़ोगे, जब और थोड़ा इन डेप्थ जाओगे तो एक नया टर्म ऐड हो सकता है। यस बोलो। देखो जब आप एजुकेशन के साथ कंपेयर करोगे, यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, अगर आप एजुकेशन के साथ कंपेयर करोगे तो वो एजुकेशन को एक अलग टर्म लेके देखते हो, तो वहाँ पे टीचिंग क्या हो जाएगा, सिर्फ फॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन जनरल सब कुछ ऑल ओवर इंडिया, सब ऑल ओवर वर्ल्ड, अगर कुछ भी और टर्म्स आप कंपेयर नहीं करते हो, सिर्फ टीचिंग को देखते हो, उस केस में टीचिंग जो हो जाएगा फॉर्मल भी हो जाएगा, इनफॉर्मल हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ क्यों टीचिंग जो है फॉर्मल होगा इनफॉर्मल होगा। देखो टीचर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं स्कूल के अंदर, तो हो गया फॉर्मल। अब आप टीचर के पास कोई अपना पर्सनल प्रॉब्लम लेके जाते हो, ठीक है, टीचर के पास अपना कोई पर्सनल प्रॉब्लम लेके जाते हो तो क्या टीचर आपको नहीं बताएंगे, बताएंगे। तो यहाँ पे तो ये फॉर्मल नहीं है, क्योंकि बुक में तो नहीं लिखा है आपका पर्सनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन, लेकिन टीचर ने आपको बताया, बताया कि नहीं, तो ये इनफॉर्मल भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इन नॉर्मल देखोगे तो ये जो चीज लिखा है टीचिंग इज फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, तो वो करेक्ट है। लेकिन आप एजुकेशन के साथ कंपेयर करोगे तभी वो जो है आपका सिर्फ फॉर्मल हो जाएगा। हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखते हैं, ये सुनो, बहुत सारा चीज होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, ये सुनो, समझ में आया कि नहीं आपको? हाँ, मतलब देखो मैं अगर अपने पास में कोई मेरे पास खड़ा है तो वो मेरे हाइट का मुझे दिखेगा, लेकिन बहुत दूर मेरे से कोई खड़ा है तो मैं ऐसे करके उसको देख सकता हूँ। तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, टॉपिक ऑफ कंपैरिजन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको समझना यही है कि टीचिंग अगर आप सिर्फ स्कूल का बोल रहे हो तो वो फॉर्मल ऑलवेज, एंड टीचिंग एज ए होल अगर आप बोल रहे हो इन जनरल तो वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। आपके सामने एग्जांपल है, कोई भी आपको बोलता है तो आप ये वाला चीज बता सकते हो उसको। अलग है, देखो जब कोई ऐसा काम होता है, जैसे अभी तक हम क्या पढ़े, फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़े, एक और टर्म है। देखो क्या होता है, आप मम्मी पापा फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने बोला कि कोई भी चीज ऐसे ही सीख जाता है विदाउट एनी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे सिलेबस क्या था, आपने प्री डिटरमाइंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था कि हाँ इस तरह से पढ़ना है। पर्सनल प्रॉब्लम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव नहीं था टीचर का, आपने पूछा इसलिए बताया, ठीक है, तो ये इनफॉर्मल हो गया। लेकिन मम्मी पापा एंड आपके ट्यूशन टीचर, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, आपको चाहिए इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, आपका टेस्ट हो रहा है तो एक ऑब्जेक्टिव है। मम्मी पापा आपको किसी स्कूल में एडमिशन कराते हैं, बोलते हैं कि इसके साथ नहीं आपको बात करना है, या फिर यहाँ पे जाके वो नहीं खाना है, वहाँ पे जाके ये नहीं करना है, इसके साथ इस तरह से बिहेव करना है, जो भी बताते हैं उसके अंदर कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जहाँ पे ऑब्जेक्टिव आता है और वो इनफॉर्मल है, ठीक है, वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ एजुकेशन है, और वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो वो आपका नॉन फॉर्मल हो जाता है, ठीक है, जो फॉर्मल में भी नहीं आ रहा है, इनफॉर्मल भी नहीं आ रहा है, उसको नॉन फॉर्मल बोलते हैं। तीसरा एक ऐड हो जाता है, ठीक है, तीसरा एक चीज आपका ऐड हो जाता है, क्लियर है ना, ये सुन लो, ओके, हाँ। तो यही चीज था। और अगर टीचिंग और ट्रेनिंग को हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग रेफर्स टू मोल्डिंग हैबिट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे टीचिंग और ट्रेनिंग जो है यहाँ पे थोड़ा देख लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक, टीचिंग यहाँ पे होना चाहिए, ट्रेनिंग यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा सा ये हो गया है, मतलब एक जो यहाँ पे एक पहला टेबल का जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो थोड़ा सा इधर उधर इंटरचेंज हो गया टाइपिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो टीचिंग क्या होता है आप समझ जाओगे, लेकिन पढ़ने से समझ जाओगे, पहला जो कॉलम है ना यहाँ पे, पहला जो ये बॉक्स है ये यहाँ पे होना चाहिए और ये यहाँ पे होना चाहिए, हाँ हो सकता है, देखो, हाँ देखो, मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं यही बोल रहा था कि आप, हाँ मतलब हाँ थोड़ा सा मतलब अपने जगह पे वो इधर उधर हो गया, लेकिन आप पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। टीचिंग क्या होता है, टीचिंग होता है, टीचिंग इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ हैबिट, हैबिट बनाने के लिए
जो है, या फिर एक अच्छा मतलब सिटीजन बनाने के लिए टीचिंग जरूरी है। एंड ट्रेनिंग स्टार्ट ओनली आफ्टर टीचिंग, जब आप पढ़ाते हो तब हम ट्रेंड होते हैं, तो कुछ पढ़ने के बाद ट्रेनिंग होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप जब RI में एंटर करोगे या फिर कोई भी कॉलेज में बीएड ट्रेनिंग के लिए एंटर करोगे, तो आपको पहले कुछ थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है, आपका टीचिंग पहले होगा, फिर उसके बाद आपका माइक्रो टीचिंग होगा जिसको हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं, आपका मल्टीकल्चरल ट्रेनिंग होगा, फिर आप जाओगे इंटर्नशिप ट्रेनिंग में, ठीक है, पहले आपको थ्योरी पढ़ाएंगे फिर उसके बाद आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पहले आपका टीचिंग होगा तभी ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग रेफर्स टू मोल्डिंग ऑफ हैबिट्स, हैबिट आपने पढ़ लिया, हैबिट बना लिया, अब उस हैबिट को अच्छे से मोल्ड करना है, प्रॉपर वे में डालने का काम ट्रेनिंग का होता है। एंड ट्रेनिंग जो है टीचिंग का एक स्पेशलिस्ट पार्ट है, ट्रेनिंग जो है टीचिंग का एक स्पेशलिस्ट पार्ट है, ठीक है। आपको जो पढ़ाया है वो ठीक से आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो ट्रेनिंग से मतलब आपको बताया जाता है कैसे सही से करना है। यहाँ पे जो आपने पढ़ा इसको कैसे सही से करना है वो ट्रेनिंग से आपको बताया जाता है, ठीक है। एंड स्किल आपका डेवलप होता है ट्रेनिंग के थ्रू, टीचिंग के थ्रू नॉलेज डेवलप होता है, टीचिंग के थ्रू नॉलेज डेवलप होता है और ट्रेनिंग के थ्रू स्किल डेवलप होता है, ठीक है। एंड एन आइडियलिस्टिक सोसाइटी गिव्स इंपॉर्टेंस टू टीचिंग, आइडियलिस्टिक सोसाइटी इंपॉर्टेंस किसको देता है, टीचिंग को इंपॉर्टेंस देता है, बट प्रैग्मेटिक सोसाइटी, प्रैग्मेटिक डेवलप्ड है, ठीक है, प्रैग्मेटिक मतलब जो फ्यूचर को सोचता है, आइडियलिस्टिक मतलब जो चलता आ रहा है उसी को, या फिर एक कोई आइडियल मान के चला उसी को फोकस किया। तो आइडियलिस्टिक सोसाइटी फोकस करता है टीचिंग को, लेकिन कोई प्रैग्मेटिक सोसाइटी जो आपको फ्यूचर की तरफ लेके जाता है वो आपको ट्रेनिंग को फोकस करता है, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, जो हम सीख के जिससे हमारा सेंस ऑर्गन और मतलब उसको फील करेगा वो चीज को, उसको हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, खुद से करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, वो आपका ट्रेनिंग से सीखने के लिए मिलता है। तो प्रैग्मेटिक सोसाइटी ट्रेनिंग को फोकस करता है, तो ट्रेडिशनली आपका आइडियलिस्टिक सोसाइटी टीचिंग को प्रमोट करता है। ये चीज है, थोड़ा यहाँ पे अलग अलग है लेकिन आप समझ जाओगे, ठीक है, एटलीस्ट अभी तो समझ जाओ क्लास देखने के बाद, ठीक है। अब देखो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, तो यहाँ तक पढ़ेंगे या आगे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक पढ़ते हैं, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा कि आपका, मैं रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या पढ़े, हम पढ़े एप्टीट्यूड क्या होता है, हम पढ़े टीचिंग क्या होता है, फिर उसके बाद टीचर का क्या क्या कुछ कुछ ड्यूटीज हमने देखा क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड को इन शॉर्ट हमने देखा क्या है, फिर हमने देखा कि अगर टीचिंग एप्टीट्यूड को टेस्ट क्यों किया जाता है और टेस्ट में कम नंबर है तो उसको हम लोग कैसे जो है जान सकते हैं, क्या रीजन क्या है इसके पीछे, और टाई होता है तो क्यों टीचिंग एप्टीट्यूड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है उसको भी हमने देखा। फिर हमने देखा वन वर्ड डेफिनेशन ऑफ टीचर, थ्री पिलर ऑफ टीचिंग क्या क्या होता है, आपका होता है आपका टीचर एंड स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन। फिर हमने देखा टीचर और लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, टीचिंग एंड एजुकेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे जो कन्फ्यूजन था वो भी दूर हमने किया। जब हम टीचर को सिर्फ अकेले, टीचिंग प्रोफेशन को सिर्फ अकेले देख रहे हैं तो वहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों आ सकता है, लेकिन जब हम लोग टीचिंग को एजुकेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा टर्म आ जाएगा जिसके अंदर टीचिंग एक टर्म है, ठीक है, जिसके अंदर टीचिंग भी एक टर्म है। तो वहाँ पे जैसे सेट थ्योरी में होता है ना, सेट थ्योरी में हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो मैं आपको सेट बता रहा था, तो वो अगर इनफॉर्मल को रखता है अपने साथ तो ये भी रखेगा क्योंकि ये इसके अंदर ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है, अगर सिर्फ स्कूल टीचिंग की बात करोगे तो वो फॉर्मल है, लेकिन बाकी कुछ भी टीचिंग आपका है तो वो इनफॉर्मल हो जाता है। एंड इसीलिए कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक और टर्म हम लोग नॉन फॉर्मल यूज करते हैं, जहाँ पे टीचर जो आपका ट्यूशन टीचर है, कोचिंग टीचर है, और आपके मम्मी पापा एंड रिलेटिव एल्डर्स, ये आपका नॉन फॉर्मल टीचर्स होते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर हमने टीचर और टीचिंग एंड ट्रेनिंग के बीच में डिफरेंस देखा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग देखेंगे एंड ट्रू क्वालिटीज ऑफ टीचर, रोल ऑफ ग्रुप ए ग्रेट टीचर, ठीक है, टीचर एंड देयर टास्क, ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, क्लियर। ये सुनो, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, सो इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास, ओके, द क्लास इज ओवर, यू कैन आस्क योर डाउट्स इफ यू हैव एनी डाउट। हाँ, एक वीकली टेस्ट हम कर देते हैं कल, ठीक है, कुछ रैंडम क्वेश्चन होंगे तो जो कर पाते हैं करना, दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं भी कर पाते तो कोई टेंशन नहीं है, बाकी बहुत सारे एस्पिरेंट, पुराने एस्पिरेंट है तो वीकली टेस्ट हमको कंटिन्यू करना है,
ठीक है, जो न्यू एस्पिरेंट है अगर मार्क्स थोड़ा खराब होता है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप पहला टेस्ट दे रहे हो ऐसा मान के चलो, इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होता है। जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, मैंने 60 से आई थिंक 36 आया था मेरा RIC के एग्जाम में, 60 से 36 या 38 ऐसा कुछ आया था टीचिंग एप्टीट्यूड के टेस्ट में RIC के एग्जाम में 2015 में। लेकिन अभी मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, तो वो धीरे 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 करके इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, एक टेस्ट से आप टीचिंग एप्टीट्यूड या किसी एक सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। ठीक है, वी विल डिसाइड एंड टेल यू, अदरवाइज अगर फुल लेंथ आपको देना है क्या, हाँ आपको, आप लोग आंसर की बोल रहे थे ना, तो फुल लेंथ हम लोग करते हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखो फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा, ग्रुप ए वालों को अलग, ग्रुप बी वालों को अलग। तो आपको जो आपके पास एक हमने भेजा था ना प्रैक्टिस सेट आपको मिला है, उसका आंसर की आप लोग बोल रहे हो, तो उसका आंसर की उसी के अंदर है, जो टेस्ट आपको मिलेगा उस टेस्ट के अंदर आंसर की है, तो आपका प्रैक्टिस टेस्ट का आंसर की भी मिल जाएगा और आपका टेस्ट भी हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो हम वीकली टेस्ट में यही करते हैं, आपको थोड़ा पहले से फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, एंड कुछ टेस्ट हम लोग ऑल इंडिया बेसिस पे करेंगे रैंक के हिसाब से। ठीक है, तो जितना वीकली टेस्ट के हिसाब से फुल लेंथ टेस्ट होगा वो सही है, फिर उसके बाद हम लोग ऑल इंडिया टेस्ट जो कर रहे थे रैंक के हिसाब से, जो अनसीन टेस्ट होगा आपके लिए जो आपने पहले नहीं देखा है, वो हम लोग फिर उसको करेंगे। ठीक है, ये 10 टेस्ट तो आपको जो मिलेगा अभी आपने देखा है। यस, हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ा सा लेट हम लोग करेंगे, मई में स्टार्ट करेंगे, और वो जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग करेंगे अच्छे से फुल लेंथ टेस्ट को। ठीक है, कल फुल लेंथ टेस्ट होगा, लेकिन आपको जो मिला है मटेरियल के अंदर उसी का होगा, दोनों ग्रुप के लिए अलग अलग मिलेंगे, ग्रुप ए वालों के लिए अलग, ग्रुप बी के लिए अलग, दोनों के लिए अलग अलग टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, क्लियर, बाद में हम दोनों को शेयर कर देंगे, बाद में ए वालों को बी का दे देंगे, बी वालों को ए का दे देंगे, ताकि आप जितना कर पाते हो उसमें करना। देखो बी वालों को ए का कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो, लेकिन ए वालों को बी का अगर मिलता है तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लग सकता है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्लियर, तो दोनों को वही नंबर ऑफ टेस्ट आपको करना है पूरा। ओके, सो ठीक है, यस बोलो सर, आपने जो पढ़ाया था क्लास में कि जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो सकता है और सोसाइटी सेंटर्ड भी है, तो सर अगर ऐसा हो कि हमें ऑप्शन में सिर्फ स्टूडेंट सेंटर्ड या फिर सोसाइटी सेंटर्ड दिया हो तो वो तो अप्रोप्रिएट आंसर होगा। यस, देखो इन मैक्सिमम केसेस, ठीक है, इन मैक्सिमम केसेस क्या होता है कि ऑल केसेस अभी तक जितना मैंने देखा है आपका बोथ एक ऑप्शन देगा। ठीक है, बोथ दिया तो बोथ को लेना है, अगर बोथ नहीं दिया है तो इन दैट केस आप किसको लोगे, तो आप स्टूडेंट सेंटर को लोगे, हमेशा स्टूडेंट सेंटर विल प्रिफर, स्टूडेंट सेंटर जो है ज़्यादा प्रेफरेंस उसको देना है। ठीक है, अगर दो ऑप्शन ऐसा है जिसमें स्टूडेंट है सोसाइटी है बोथ नहीं है, ठीक है, उसमें स्टूडेंट को प्रेफरेंस देना है, नहीं तो बोथ रहेगा तो बोथ को देना है, याद रखना। ठीक है, क्लियर, स्टूडेंट सबसे ऊपर है, सब कुछ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। हाँ, टेस्ट जो 10 प्रैक्टिस टेस्ट है, आपको 10 टेस्ट हम लोग ऐसे वीकली टेस्ट में या फिर कुछ दिन में दे देंगे, उसको आप प्रैक्टिस करते रहना, उसमें टेस्ट जो आंसर की आपको मिल जाएगा। 10 जो टेस्ट आपको मिला है ना, वो 10 टेस्ट हम वीकली बेसिस पे या फिर एक वीक में दो भी दे देंगे, और एक दो वीक में आपका या 15 दिन के अंदर आपका वो टेस्ट का आंसर मिल जाएगा आपको। 160 मार्क्स का, यस, ओके। हाँ, न्यू कमर पार्टिसिपेट करो, लेकिन मार्क्स अगर कम है तो कोई मतलब ये नहीं करना है कि सर मेरा बहुत कम हो रहा है, स्टार्टिंग वाला टेस्ट है और आपने पूरा पढ़ा नहीं है, ये जो अभी जो टेस्ट देने वाले वो अगस्त या सितंबर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनका डेफिनेटली ऊपर रहेगा, तो आपको चिंता नहीं करना है, अगर कम आए तो आपका अच्छा आता है तो बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा स्टूडेंट हो, लेकिन कम आता है तो कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे आपका भी इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, क्लियर, ओके, कल 6 PM इवनिंग, ठीक है, 6 to 8, ओके सर, ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम, गुड नाइट, यस सर।